हेलो सो वेलकम बैक एंड बैक टू द बीजीएम गेम्स की स्ट्रीम। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक फाइट आई थिंक वहाँ पर मिस हो चुकी होगी, जो कि अपार्टमेंट के अंदर फाइट होती है वो मिस हुई है। सामने देखना वहाँ पर अपने जो कि डाकू डैडी की टीम के हमसे यहाँ पर देख रहे हैं जो कि नॉक पड़े थे टीम ऑफ 14 के हम बस वहाँ पर जो कि उनको टी वन जो कि आई थिंक मुज्जू की टीम के हमसे आई थिंक वहाँ पर उनको नॉक वगैरह डाला था। जहाँ तक मुझे लगता है मुज्जू के हमसे वहाँ पर देख रहे हैं जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पर टी वन जो कि राजू भाई हो रहा है वहाँ पर देखना हुआ टी वन अलोन ओपी है वहाँ पर देख रहे हैं। उनके डॉन जो कि फिनिश हो चुके थे आरसी वेल्टू के शेल भी रोतराज बाहर लिपोफा के अंदर फाइट होती थी वहाँ 8 के मेंबर्स की देखना होगा टीम नंबर 8 की एक टीम आपको फिनिश कर दिया गया। वहाँ पर देखना उनके एजे भाई क्या कुछ कर पाते हैं। जी जी बचे शेल भी और गोड दोनों टीम आपको भाई यहाँ पर फिनिश कर देगा। सामने टीम जो कि रोतराज की तरफ से नॉक किया गया था जो कि शॉटगन लेकर वहाँ बैठे हैं जो वहाँ पर देख रहे हैं बड़े इजली भाई AKM भी साथ में भाई लेकर बैठे हैं। तो बड़े इजली कैसे नॉक वगैरह डाल सकते हैं टीम के आपको थोड़ा पीछे जाना चाहेंगे काफी ज्यादा लो। तो फिलहाल देख लिया जाए वहाँ पर उनकी टेरर किंग है उनकी पूरी टीम है वहाँ पर बाकी टीमों को भाई यहाँ पर जरूर से देखना होगा। और वहाँ पर जो भाई वहाँ पर विशाल भाई एक साइड से भाई मिस्टर गूगल को एक साइड से नॉक किया जा चुका है जो कि टीम आप 24 के वहाँ पर देख रहे हैं मिस्टर गूगल को गूगल किया जा चुका है बोली के साथ। फिलहाल देखना और मैक्स को वहाँ पर नॉक डालने की कोशिश की जा रही है मैक्स को विशाल को एक साइड से नॉक डाल गया अपने वैक्सी की तरफ से टीम GTR जो कि वैक्सी टीम 24 के वहाँ से यहाँ पर विशाल को नॉक डाल चुके हैं आशियाना के अंदर। और टेरर किंग भाई वहाँ पर एजी को बड़े इसलिए यहाँ पर नॉक डाला गया था जो कि भाई लिपोका के अंदर वहाँ पर जो टीम नंबर 8 के उसको नॉक डाला गया अपनी टीम से। जी जी जो कि है वो अकेले बचे हैं देखें यहाँ पर क्या कुछ कर पाएंगे। सामने वापस चलूंगा जो टीम 24 के था और विशाल एक साइड से नॉक पड़े हैं टीम आउट जो कि 19 के थे जो वो अपनी टीम को रिवाइव देने के लिए जाना चाहेंगे। और जो कि उनके मिस्टर गूगल है उनको भाई बड़े यहाँ पर रिवाइव दिया जा रहा है। वापस वहाँ देखना जो उनके एक वापस कर चुके हैं बैटमैन एक साइड से उनको भी देखना जो वो अपनी टीम जो विशाल है उनको बड़े जिम्मे का रिवाइव दे देंगे। वैक्सी की तरफ से उनको नॉक किया गया था। जी जी भाई जो टीम नंबर 8 के सोलो टीम के आंस बचे थे उनको रोतराज भाई उनको फिनिश कर चुके हैं बड़ी इजी भाई अपन को फिनिश वगैरह करना वो टीम के हम सामने देखना। और स्प्रे देने की एक साइड जो कि मेरे ख्याल तैको पिकाचू एक साइड स्प्रे देने की भाई कोशिश की गई थी अपनी जो टीम 24 के हमको एक साइड स्प्रे देने की लेकिन हाँ वो बच्चे। और सामने एक मिश्र गूगल को वापस से भाई M4 के साथ गूगल किया जा चुका है। देखना होगा जोए बॉय वहाँ पर नेट ट्राई करेंगे जहाँ जोए बॉय वहाँ पर एक साइड से नेड वहाँ पर पिनअप कर चुके हैं नेड वहाँ पर फेंकना चाहेंगे। सामने भाई काफी कड़ा नेड करने की कोशिश करते हैं लेकिन वैक्सी एक साइड से वहाँ पर काफी कड़ा वहाँ पर कवर देने की कोशिश करते हैं अपनी टीम हमको काफी ज्यादा लो कर चुके थे। विशाल एक साइड से आना चाहेंगे विशाल एक साइड से आते हुए सामने बैटमैन एक साइड से बैठे हुए हैं एको पिकाचू बैठे हैं टी वन राजू एक साइड से नॉक हो चुके हैं टी वन अलोन ओपी जो कि भाई शिवर्णी के अंदर टीम ऑफ 20 के हम से 16 बचेंगे बटर डाल के टी वन अलोन ओपी एक टीम ऑफ को बटर डाल के नॉक किया जे एक्स सॉरी दो टीम ऑफ को नॉक करके इंस्टेंट और इंस्टेंट मेरे का करना चाहेंगे। सामने देखो उनके डाकू डैडी वहां पर और बड़े यहां पर पीछे से बांध टीम ऑफ जो कि 18 के हम से उनको फिनिश कर चुके हैं जो कि उनके टी वन राजू थे अपनी टीम ऑफ बड़े यहां पर बचा लिए जाकर। जहां तक मुझे लगता है पीएस टीम नंबर जो कि 10 के नाम से वो भी एक साइड से आते हुए टी वन जो कि अलोन ओपी की साइड एक साइड से आते हुए मेरे का वो टीम के हम से उनको फिनिश वगैरह करना चाहेंगे। सामने रश वगैरह मेरे का कर सकते हैं पूरी टीम भाई उनके अलावा सामने जो कि अलोन ओपी है एक साइड से उनके राजू है दो टीम आपको बचे हैं। सामने टीम नंबर 18 के नाम जो भाई चाणक्य भाई और टीम के हम से वो भी एक साइड से आना चाहेंगे। जहां तक मुझे लगता है उनकी टीम के हम भाई देख लिया पीएस वाई जो कि जिद है जैक है गॉड फादर और जो कि मशीन है वो थोड़ा अलग साइड पर यहाँ पर बैठे हैं और मेरे यहाँ पर नॉक वगैरह डाल सकते हैं नेट वगैरह वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है इस फाइट के ऊपर यहाँ पर जल्दी आएंगे वापस भाई एक साइड देखना होगा कोई और टीम अगर ज्यादा क्लोज हो। फिलहाल कोई और टीम ज्यादा क्लोज नहीं है मे बी यही टीम भाई सबसे ज्यादा क्लोज है तो फिलहाल यहीं पर देखना होगा कि कौन सी टीम भाई यहाँ से बचकर निकलती है। सामने अलोन ओपी को एक साइड जैक भाई की तरफ से नॉक किया गया शिवानी के अंदर यहाँ पर एक साइड भाई को नॉक किया जा सकता है देखे भाई यहाँ पर क्या कुछ कर पाएंगे वो टीम के बस। और भाई बड़े इजीली इंस्टेंट और इंस्टेंट फिनिश और जो कि जीत भाई थे वो राजू को DBS से लेकर चले गए और बड़े भाई इंस्टेंट और इंस्टेंट फिनिश वहाँ पर कर चुके हैं। शिवानी के अंदर अभी भी दो टीमें हैं तो मे भी उनकी फाइट भी यहाँ पर जल्दी हो सकती है वहाँ पर देखना होगा जो कि बाकी टीमों के ऊपर भाई यहाँ पर नजर डाल ली जाए जो कि जहाँ तक मुझे लगता है लिपोक के साइड से निकल जाएंगे आशियाना के अंदर जो कि टीम और मेगा स्टालबर के अंदर भी जो भाई टीम यहाँ पर 5 के नाम से उनकी मेगा फाइट में देखने के लिए मिल सकती है क्योंकि वहाँ पर दो टीमें उतर रखी है टीम 5 के नाम से एक साइड से उतर रखे हैं का भाई अभी और वहाँ पर देखना होगा का भाई अभी भाई और टीम के नाम से उतर रखे हैं। और भाई वहाँ पर एक साइड से एक टीम हमको नॉक किया टीम 1 के नाम बस वहाँ पर एक साइड से किसी टीम जी वहाँ पर एक साइड से नॉक कर चुके हैं वहाँ पर जोर जो के अंदर एक साइड से नॉक किया टीम 11 के नाम से वहाँ पर एक साइड से नॉक कर चुके हैं। फिलहाल देखना वहाँ पर क्या कुछ पाएंगे वो टीम के नाम बस। और ईगल के एक टीम हमको का भाई अभी भाई वहाँ पर नॉक वहाँ पर देख लिया ईगल जो कि बड़ी वगैरह टीम नंबर 5 के हमको बोस भाई और वहाँ पर देख लिया क्या कुछ कर पाएंगे वो टीम के हम बोस भाई ईगल बोस भाई और वहाँ पर बच रखे हैं क्या कुछ कर पाएंगे वो टीम के हम का भाई की टीम के हम्स की तरफ से भाई उनको नॉक किया गया था कि भाई यहाँ पर उनके बाकी टीम हमको भाई यहाँ पर नॉक वगैरह डालेंगे तीन टीम हम उनके बच्चे हैं। सामने देखना होगा क्या कुछ कर पाएंगे उनकी टीम के हम सामने दो टीम हमसे जी जी रस्ट का भाई अभी हैं बाकी उनके एक टीम हम जो कि हैं वो फिनिश हो चुके हैं। तो फिलहाल देखना होगा यहाँ पर बचे हैं दोनों ही टीम भाई यहाँ पर 1-1 एच पी बचे हैं रसूल दोनों एक साइड दोनों टीम आपको कवर देना चाहेंगे पीछे से उनकी टीम के आम साथ जो कि ईगल की टीम के आम से खड़ जाते हैं क्या रसूल नॉक डाल सकते हैं लेकिन भाई DBS का चुके हैं रसूल दोनों को 1 HP यहाँ पर DBS भाई काफी मतलब DBS का भाई अभी भाई को एक साइड ईगल जे भी भाई देख रहा है और का भाई अभी जो कि बच्चे अपनी टीम से उनको फिनिश किया जा चुका है बड़े इजी भाई जो कि भाई ईगल भाई का 1 HP जो कि भाई DBS उन्होंने चिपकाई है रसूल लोगों को काफी उम्दा भाई यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला है
बाकी देखना हमने किलशॉट की टीम यहाँ पर फाइट ऑन रियलिटी में 21 के के साथ खिलाफ देख लिया है, किलशॉट वर्सेस जो भी हमने टीम संतु भाई यहाँ पर टीम देख रहे हैं, टीम जीटीआर डेविल भाई की टीम है वहाँ पर उनको देखना, और स्मोक है, थानोस है, क्या कुछ करवाएंगे वो टीम सामने का मामला, नेट पिनअप कर चुके हैं, सैम ने नेट पिनअप कर रखा है वहाँ पर देख लिया, अपने आया ने नेट पिनअप किया था लेकिन वहाँ पर देखना बचते हुए वोटिंग गेम से वापस मेरे ख्याल से नेट फेंका जाएगा, तो फिलहाल देखना उनके संतु स्मोक डेविल डेविल को एक साढ़े से नॉक किया जाए तो फिलहाल देखना अजर वहाँ पर डेविल को नॉक कर चुके हैं, सीधा रश करना चाहेंगे वोटिंग करता आया एक साढ़े से नेट करने का ट्राई करते हैं, अजर को नॉक किया गया स्मोक की तरफ से काफी उमदा वहाँ पर नोक डालते हैं अपने टीम मेंबर प्रयाद ने, सामने स्मोक को भी नोक किया गया एक साइड से आयान के नेट से काफी उमदा खेलते अपने आयान भाई ने काफी कड़ा भाई यहाँ पर नेट करते हैं, मेरे सीधा वहाँ पर गाड़ी लेकर सीधा रश करेंगे जो काफी अच्छी बात है यहाँ पर, क्योंकि भाई गाड़ी लेकर सीधा घुसना चाहेंगे क्योंकि भाई सामने वाली टीम थोड़ी पैनिक हो जाती है कि गाड़ी लेकर भाई पूरी टीम रश कर चुके, तो इसलिए उनकी गाड़ी पर देकर ब्लास्ट कर दिया आयन को नॉक कर चुके हैं, क्या भाई यहाँ पर गाड़ी ब्लास्ट करेंगे, सामने मोली की गई है मेरे ख्याल से यहाँ पर गाड़ी ब्लास्ट कर सकते थे वो टीम का जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन भाई यहाँ पर नहीं करेंगे, संतु यहाँ पर नेट करते हुए सैम नेट, क्या सैम का नेट सक्सेस होने वाला है जहाँ तक मुझे लगता है, संतु नेट की चपेट में आ सकते हैं जहाँ तक मुझे लगता है, तो फिलहाल देखना होगा अपने वी टी एफ विलन भाई भी एक साइड से नॉक हुए हैं, तो फिलहाल उनको भी देखना होगा कहाँ पर नॉक हुए हैं, तो फिलहाल देखना उनकी साइड भाई हम जरूर जल्दी करेंगे, फिलहाल यहाँ पर देख लिया जाए वो टीम कैम्प भाई यहाँ पर देखना होगा क्या कुछ करवा दे वो टीम कैम्प जो बाहर निकल छोड़ के टीम कैम्प का फाइट चलती है, सामने नेड में नेड़ी भाई ट्राई चलती है अपने मैग्नेट भाई एक साइड से नेट भी करते हैं, क्या संतु भाई उस नेड में आएंगे एक साइड से, थानोस भाई एक साइड से नेट ट्राई करते हैं, सामने देखना भाई अपने आनंद भाई की टीम कैम्प की साइड से फाइट होती है जो तो मेरे ख्याल से यहाँ पर उनकी टीम कैम्प बड़ी जल्दी वहाँ पर रॉयल की टीम के साथ भाई उनकी फाइट हो रही है, तो फिलहाल को देखना अपने जो रॉयल की टीम कैम्प उनको देख लिया कहाँ गए अपने जो रॉयल की टीम कैम्प के साथ एक साइड से फाइट हुई जो कि टीम हम 23 कैम्प यहाँ पर उनको देखना होगा, टीम हम 23 कैम्प यहाँ पर एक साइड जो कि रॉयल जिशान एक साइड नॉक पड़े सामने काफ़ खड़ा बैटमैन टिका चुका है जो बोर की टीम के आंसर काफी खड़ा सत्य देने कोशिश करते हैं उनकी टीम के आंसर को, और भाई यहाँ पर सामने एक टीम हम जो नॉक पड़ दिया भाई यहाँ पर गाड़ी ब्लास्ट वगैरह वहाँ पर करेंगे, फिलहाल देखना उनकी टीम के आंसर को वापस भाई चल रहा है फिल शॉट वर्सेस टीम जी टी आर वहाँ पर चल रहा था, फिलहाल को देख लिया एक साइड से स्मोक को सर्द नोक किया गया अजर भाई फिल शॉट जो कि अजर थे टीम है जो 15 के आंसर एक साइड से नॉक कर चुके हैं, और बड़ी यहाँ पर मैं कहता हूँ उनको फिनिश वगैरह करना चाहेंगे जहाँ तक मुझे लगता है, रॉयल सोहेल भाई वापस भाई नॉक किया गया टीम 19 के आंसर से रस्ते भाई को नॉक किया गया टीम 23 के आंसर नॉक पड़े वो भी एक साइड से नॉक पड़े जिन्होंने खिलाड़ी जिशान दो टीम अपनी टीम से बचे हैं, खिलाड़ी भी नोट जिशान अपनी टीम से अकेले बचे हैं, जिशान को दोनों साइड से भाई यहाँ पर कितना तो भाई जिशान भाई सर्वाइव कर पाएंगे, भाई सैंडविच हो गया था अपनी रॉयल की टीम का और पूरी टीम भाई यहाँ पर वाइप होती हुई वापस चला हुआ जब मैं कहता हूँ टीम नंबर टू के आर्म्स के यहाँ पर फाइट चल रही थी वहाँ पर उनको देख लिया टीम नंबर टू वर्सेस टीम नंबर वन के आर्म्स के बीच वहाँ पर चला हुआ थाइनिस भाई आयन भाई यहाँ पर बड़े जल्द थाइनिस को नॉक कर स्मोक और मैंने कहा पूरी टीम यहाँ पर वाइप करते हुए अपनी किलशॉट की टीम के आर्म्स सामने देखना होगा टीम नंबर टू वर्सेस टीम नंबर वन वहाँ पर चलने वाला है, फिलहाल देख लिया अलोन है वहाँ पर देखना होगा साक्षी क्या कुछ और भाई टीम के आर्म्स लेकिन सामने चारों टीम आर्म्स अब तक अलाइव, तो फिलहाल देखना होगा वहाँ पर जो टीम नंबर टू के चारों टीम आर्म्स अलाइव हैं, एजी हैं, डॉक्टर हैं, देखना क्या कुछ कर पाएंगे वो टीम के आर्म्स शाहरुख हैं, तो फिलहाल बाकी देख लिया अब्दुल भाई क्या कुछ कर पाएंगे, सामने में कैसे यहाँ पर रश वगैरह चलता हो टीम वन के आर्म्स को रश करना चाहेंगे काफी कड़ा वहाँ पर नेट करते हैं, तो फिलहाल देखना होगा टीम नंबर टू के आर्म्स जो कि मोनू भाई मेरे ख्याल से यहाँ पर डॉक्टर मोनू, तो फिलहाल देख लिया या मोन्टू लिखा है, तो फिलहाल देखना होगा यहाँ पर क्या ही यहाँ पर देख लिया ओपी गोड पादर टीम नंबर 10 के आपके आउट एक साथ देखना जो टीम नंबर 10 के ओपी गोड पादर वहाँ पर एक साथ नॉक हो गए, तो बड़े दिन निकाले उनको फिनिश भी कर दिया गया उनकी टीम के हम थोड़े दूर थे, तो फिलहाल मैं टीम आपके पास वहाँ पर वापस से नेड यहाँ पर ट्राई करते टीम नंबर टू के मेंबर्स काफी उमदा वहाँ पर वापस से मेरे ख्याल से देखना होंगे जो कि एक टीम है वहाँ पर दूर बैठे हैं टीम नंबर जो कि वन के उनको देखना वो मेरे ख्याल से अगर दे सकते हैं जी हाँ थोड़ा भाई बैक साइड में यहाँ पर प्रॉन वगैरह पड़े हैं, तो मेरे ख्याल अपनी टीम हम पर कवर देना चाहेंगे, बाकी टीम बैटमैन वहाँ पर टीम जो 19 के नाम से वहाँ पर एक साइड वापस आए उन्होंने किसी को नॉक किया, तो फिलहाल देखना होगा और इंस्टेंट नॉक और इंस्टेंट फिनिश करते हैं जो भाई उन्होंने ईगल तोड़ भाई को नॉक किया था और इंस्टेंट नॉक और इंस्टेंट फिनिश कर चुके हैं जो भाई टीम 17 के मेंबर से सामने देखना होगा एफजेड जो कि पाया था ना दो ही टीम अपनी टीम से बचे हैं, तो फिलहाल देखना वहाँ पर क्या कुछ करवाएंगे एक और यहाँ पर विशाल है और वो टीम के अंदर यहाँ से निकलेंगे मुझे जहाँ पर एक और पिकाचू आकर रुक चुके हैं बैटमैन और एक साइड से आना चाहेंगे था जो कि पिकाचू एक साइड से नेट पिनअप कर चुके हैं, तो फिलहाल देखना मेरे कहा पर एफजेड के ऊपर नेट वहाँ पर फेंकना चाहेंगे जहाँ तक मुझे लगता है यह नेट उन्होंने पिनअप किया है लेकिन एफजेड वहाँ पर बचते हुए बैटमैन एक साइड से आते हुए पाइथन वहाँ पर एक साइड से मोली करते हुए पाइथन ने मोली की गया जो कि अपने पिकाचू के ऊपर लेकिन वहाँ पर बचते हुए लेकिन भाई एफजेड का काफी कड़ा वहाँ पर नेट है पिकाचू के ऊपर और वहाँ पर उनको नॉक कर चुके हैं वापस एफजेड वहाँ पर नेट पिनअप करते हुए वापस मेरे कहा उनको नेट डालेंगे और फिनिश कर सकते हैं वहाँ पर जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पर फिनिश करने के बाद पूरी कगार यहाँ पर बड़े जहाँ पर फिनिश हो सकते हैं काफी ज्यादा लो है वो टीम के आंसर अगर भाई जल्दी नहीं आए उनके पास कोई तो फिनिश हो जाएंगे विशाल मेरे ख्याल आना चाहेंगे चाहे जो किन टीम के आंसर पाइथन को एक साइड से नॉक किया गया है जो है वो एक साइड चाहते हुए अलोन वहाँ पर एक से तरफ से नॉक कर चुके हैं टीम के आंसर देखना टीम जो तो वन के आंसर दो टीम आंसर वहाँ पर नॉक कर चुके हैं काफी उमदा वहाँ पर देखना होगा मेरे ख्याल से उन्होंने एक टीम आपको सॉरी इंस्टेंट फिनिश किया वहाँ पर देखना होगा टीम के आंसर पीछे से भाई कवर देते हुए देख रहे हो डॉक्टर मोन्टू जो कि थे वहाँ पर नेट वगैरह करते जो है वो एक साइड जैब जैड वहाँ पर नॉक कर चुके हैं काफी उमदा वहाँ पर जो है वो नॉक किया जाता है
देखना वहाँ पर क्या कर पाएंगे वो टीम, क्या मुझे यहाँ पर कर पाएंगे वो टीम, क्या मुझे टीम है उनकी टीम, क्या हम सब टीम को वाइप करेंगे फिलहाल देखना होगा। बैटमैन बचे हैं, दो टीम हम बचे हैं उनकी टीम के, हम से फिलहाल देखना होगा। विशाल और बैटमैन दो ही टीम हम बचे हैं और भाई मेरे ख्याल से वापस से चलना होगा जो टीम वन और टीम नंबर टू के हम से और फाइट चले थे उनको देखना होगा। पर वो भी मशीन टीम हम जो टेन के सिक्सर्स भाई नौ कुछ उनको देखना होगा, टीम जो टेन के हम को है बैटमैन को टीम 19 के हम एफजेड भाई वापस से भाई बैटमैन को नौ करते हैं क्या भाई फिनिश करेंगे। लास्ट बंदा वहाँ पर बचा है 1v4 अपने एफजेड की तरफ से देखने के लिए मिलने वाला, जहाँ तक मुझे लगता है रह गए भी 3 भाई टीम नंबर 10 के हम सामने एक चार्ज नॉक कर चुके हैं। फिलहाल देखना टीम जो कि बैटमैन और भाई जो कि विशाल भाई वहाँ पर देखना बड़े दिल्ली विशाल को आई थिंक पीछे से वहाँ पर पड़ चुकी थी और विशाल भाई यहाँ पर एक चार्ज फिनिश हो गए, लेकिन एफजेड भाई वहाँ पर काफी कट वहाँ पर खेल कर चले गए जहाँ तक मुझे लगता है। एंड की टीम की यहाँ पर फाइट हुई थी जो बैटिंग नंबर 10 और उनकी फाइट चल रही बड़ी दिल्ली टीम नंबर 18 के हम वहाँ पर देखना 3 टीम हम नोक पड़े देखना उनके जो कि DFH भाई वहाँ पर देखना अपनी टीम से बचे हैं अगले सामने ओपी भाई टीम रह गए भी 3 भाई वहाँ पर उनको फिनिश वगैरह कर चुके हैं। अपनी टीम से सोलो बचे उनकी टीम के हम जो कि ओपी की टीम से मेरे ख्याल सोलो टीम के हम बचे उनके जीत भाई और वहाँ पर हील करेंगे सामने DBS मेरे ख्याल चिपकाना चाहेंगे चिपकाने की कोशिश, लेकिन भाई बड़े जिले यहाँ पर उनको फिनिश कर चुके हैं जो भाई उनकी DFH भाई तो बड़े जिले पर फिनिश कर चुके हैं और ओपी की पूरी टीम यहाँ पर वाइप होती हुई वापस से भाई चलना उनकी ओपी की टीम वापस से भाई मोन्टू को भी डॉक्टर मोन्टू को भी नॉक कर चुके हैं अपनी टीम जो कि बन के अलोन वहाँ पर एक साइड थे। दो टीम हम अब तक 1v2 कर चुके हैं वो टीम के हम फिलहाल देखो देने कोशिश 1 HP यहाँ पर बचे हैं मिस्टर जो कि एजे अमेरिका तो यहाँ पर रश करना चाहेंगे क्योंकि 1 HP यहाँ पर बचे हैं, लेकिन H12 के लेकर बैठे हैं फर्स्ट लगाने की कोशिश ग्रोजा लेकर आएंगे जहाँ तक मुझे लगता है जहाँ चाहेंगे बड़े जिले यहाँ पर नौकर डालेंगे और फिनिश करेंगे वहाँ पर गलत टाइम पर थोड़ा आवाज़ आ जाती है तो इसलिए सामने वाला टीवी प्लेयर वाला बड़े जिले यहाँ पर फिनिश करते लेकिन काफी उमदा वहाँ पर 1v2 दिखाते हुए एफजेड भाई वहाँ पर देखा रेड एफजेड और वहाँ पर बड़े जिले यहाँ पर उनको मोली वगैरह करके भाई मेरे ख्याल वहाँ पर फिनिश हो चुके हैं जो कि अपने एफजेड थे और वापस भाई देखना हुआ उनकी टीम के आर्म्स भाई देख लिया जाए जो कि उनकी टीम के आर्म्स आई थिंक वहाँ पर उनको फिनिश वगैरह किया था जो कि अपने टेरर किंग के भाई और ने वहाँ पर उनके ऊपर मौली वगैरह की थी और बड़े यहाँ पर उनको फिनिश वगैरह किया जा चुका है, लेकिन वहाँ पर काफी उमदा यहाँ पर वो 1v3 कर गए हैं। एजे भाई वहाँ पर एक साइड थे टीम नंबर 2 के आर्म्स रोक चुके हैं, टीम 15 के आर्म्स यहाँ पर वापस भाई रश कर चुके हैं तो फिलहाल देखना होगा वहाँ पर फिर छोटी टीम के आर्म्स सीधा रश करेंगे जहाँ तक मुझे लगता है अब्दुल भाई अपनी टीम से अकेले बचे हैं और सर एक साइड से पीछे से कवर देना चाहेंगे और वहाँ पर देखना होगा जिनके मैग्नेट आयान है सैम है तीनों टीम आर्म्स एक साइड से बाहर रश कर चुके हैं और उनकी गाड़ी काफी ज्यादा लो है मेरे ख्याल यहाँ पर उनकी गाड़ी वगैरह ब्लास्ट की जा सकती है जहाँ तक मुझे लगता है अगर गाड़ी ब्लास्ट कर देते हैं तो एक टीम भाई गाड़ी के ऊपर ध्यान नहीं दिया अपने अब्दुल और अब्दुल वहाँ पर नौ कर सकते हैं एजीए नौ कुछ अब्दुल अपनी टीम सोलो बचे हैं मुझे लगता है अब्दुल यहाँ पर ज्यादा देर सर्वाइव कर पाएंगे। सामने नेड मोली स्टन सब चलता हुआ तो फिलहाल देखना होगा मेरा सीधा रश करना चाहेंगे वो टीम के हम जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई पहले गाड़ी में गाड़ी ब्लास्ट की जा सकती थी 3 टीम हम एक साथ उतर सकते थे लेकिन भाई किसी ने ध्यान नहीं दिया और वहाँ पर देखना अब्दुल और ऊपर छत पर गए हैं पीछे अगर वहाँ पर कवर दे रहे हैं छत से और बड़े यहाँ पर टीम को हम उसको फिनिश करते हैं जो कि अपने नजर थे वो बैक साइड से भाई कवर दे रहे थे काफी गलत पोजीशन भाई यहाँ पर चुन ली थी और बड़े यहाँ पर देखना टीम नंबर 3 के आर्म्स यहाँ पर एक साइड से फाइट हो चुके थे फिलहाल देखना होगा टीम नंबर जो कि 3 के आर्म्स यहाँ पर फाइट हुई है तो फिलहाल को देखना होगा भाई अपने टीम नंबर जो 3 के आर्म्स है एफएनसी की टीम के आर्म्स यहाँ पर एक साइड से नॉक कर चुके हैं देख लिया क्या कुछ कर पाएंगे वो टीम के आर्म्स ईगल की टीम के आर्म्स को आई थिंक नॉक किया जी यहाँ पर एक साइड से टीम नंबर जो भाई उनकी टीम के आर्म्स को देख लिया 16 के मैम्स को वहाँ पर उन्होंने नॉक किया था ये गली इरफान भाई को वहाँ पर एक चढ़ से उन्होंने नॉक किया था रेड विजार्ड है अकेला है मोइन है तो फिलहाल देखना होगा कुछ कर पाएंगे वो टीम के मैम्स 4v4 का मामला है तो फिलहाल देखना होगा मैं कहा उन्होंने दोनों साइड से वहाँ प्लान कर रखा है लेकिन जो कि मोइन है वो एक साइड से मेरे ख्याल यहाँ पर निकलना चाहेंगे मोइन काफी ज्यादा दूर से भाई यहाँ पर निकल रहे हैं और बाकी सभी टीम के मेरे ख्याल से निकलना चाहेंगे वहाँ पर ऊपर मेरे ख्याल वहाँ से जाकर वहाँ फायदा नहीं सामने देखना जो टीम 25 के मैम्स है उनकी एक टीम काफी ज्यादा क्लोज है जहाँ तक मुझे लगता है जहाँ टीजेड की टीम के हम सोलो टीम के अंदर काफी ज्यादा ईगल बहुत टेरकिंग यहाँ पर एक साइड वापस नॉक कर चुके हैं अपने टेरकिंग को देखना होगा टीम 7 के हमसे उनको दिख लिया एक साइड बार नॉक किया सामने की हमको तो फिलहाल देख लिया जाए टीम 5 के हमको जो कि ईगल भाई को वहाँ पर बोश भाई को वहाँ पर नॉक कर चुके हैं सामने देखना होगा जेबी भाई और वहाँ पर दो टीम है वहाँ पर बचे क्या कुछ पाएंगे टीम के हम सामने उनकी टीम के हम जहाँ टीम वहाँ पर यहाँ देने के लिए हम चाहेंगे टेरकिंग एक साइड से एजुकेशन भी और टेरकिंग जो कि पीछे से कवर देने वो पोजीशन वहाँ पर देखते हैं गाड़ी चढ़ाते हैं बच्चे बच्चे जिनके ऊपर निकाल अपनी टीम से अकेले और बड़े यहाँ पर ईगल की पूरी टीम वहाँ पर वाइप करते टीम जो कि 7 के हमसे काफी उमदा खेलते हुए गाड़ियों से मतलब कंफ्यूज करते हुए और भाई सामने जो टेरर किंग थे और उनकी जो कि शैल भी थे वहाँ पर एक साइड से फिनिश वगैरह करते हुए सामने देखना होगा टीजेड की टीम के हम वहाँ पर नॉक कर चुके हैं जस्ट मैंने भी बताया टीम 25 की टीम वहाँ पर नॉक किया जा चुका है जोकर बचे हैं सामने देखना होगा और बड़े यहाँ पर नॉक फिनिश कर चुके हैं एक टीम को और वहाँ पर उनको देखना होगा जो मेरे ख्याल यहाँ पर जोकर काफी ज्यादा दूर है अपनी टीम से आनंद भी काफी ज्यादा दूर है और जो उनके स्नैक्स हैं वो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा दूर है और टीम 25 के यहाँ पर सोलो थे सोलो का मामला चल रहा था और बड़े यहाँ पर फिनिश कर चुके हैं सामने देखना होगा किल्शो की टीम वापस बाहर निकलती है किसी टीम के यहाँ पर फिराक में सामने देखना होगा एक साइड में ड्रॉप के मेरे ख्याल से फाइट चलती है जहाँ तक मुझे लगता है और सोलो टीम के अंदर मेरे ख्याल यहाँ पर कोई बचे थे इस टीम 11 के नाम से यहाँ पर फाइट चली थी वहाँ पर बड़े यहाँ पर काफी कड़ा आई थिंक उन्होंने नेड किया और बड़े यहाँ पर फिनिश कर चुका टीम में उसको वापिस से देखना होगा किसी टीम के आर्म्स की तरफ चल रही है जो मेरे ख्याल से किलशॉट जो कि टीम थी यहाँ पर इमरजेंसी से भाई लैंड करती है सामने देखना अपनी जो कि टीम नंबर 24 के आर्म्स और जो कि अपनी टीम 25 के आर्म्स उनकी फाइट होने वाली है आमने सामने काफी ज्यादा क्लोज का मामला है स्प्रे वगैरह देने की कोशिश कीजिए
गूगल वहां पर क्या वापस नो करेंगे जी? नहीं, वहां पर जो भी स्नेक थे काफी उम्दा दिमाग लगाते हुए स्नेक एक नाम सांपर नो करते हैं, जोकर नो पड़े हैं सामने से, स्नेक एक सर्च रश करेंगे सामने परे से अपने व्यक्ति और मिस्टर गूगल एक सर्च रश करेंगे। जहां तक मुझे लगता है कि दो टीम नाम नोक पड़े तो रश करना तो बनता है। स्नेक भाई सड़ जाते हैं सामने, जो कि अपने टीम के हम सामान अपने टीम हम कहाँ पर दे रहे थे। स्नैक्स जो कि अपने रिवाइव हो चुके डीबीएस लेकर बैठे हैं, तो देखो हम स्नैक्स से क्या करते हैं। सामने नेट वगैरह चलेगा, मिस्टर गूगल एक सड़ से नेट वगैरह करते हो, जो कि वहाँ पर अपने ही नेट से फटते हो, जो कि मैक्स भाई अपने ही नेट से बाहर फट गया, नेट काफी दूर से बाहर उन्होंने पिनअप कर रखा था। और जो कि स्नैक्स को वापस भाई मोली से नोक किया गया है, जोकर को वापस भाई नोक किया जाएगा। उसके बाद देखो स्मोक वगैरह वहाँ पर करेंगे, आना नीचे कूद चुके हैं मिस्टर और स्नैक की भाई उड़ते उड़ते डीबीएस पड़ी है, और बड़े जिले यहाँ पर आना भाई इंस्टेंट नोक और इंस्टेंट फिनिश। और जो कि अपने स्नैक्स यहाँ पर एक सर्जन निकाल से रिवाइव देना चाहेंगे अपनी टीम, आपको जोकर को नहीं बचा पाए वहाँ पर, सॉरी अपने जो जोकर है वो स्नैक्स को नहीं बचा पाए। सामने देखना अपने टर्किंग बैटिंग में सेवन के स्किल छोड़ा अजर भाई को वहाँ पर नॉक वगैरह कर चुके हैं, इंस्टेंट मेरे ख्याल से वहाँ पर फिनिश भी कर चुके हैं टीम में, जो सेवन के हम पर इंस्टेंट और इंस्टेंट फिनिश कर चुके हैं। सामने देखना जो टीम और 25 के जोकर अपने टीम से अकेले बचे, क्या भाई वहाँ पर अपनी टीम को बचा पाएंगे? सामने जो कि अपने स्नैक्स यहाँ पर एक सर्च नेट करते हैं, काफी वहाँ पर नेट वगैरह करने की कोशिश करते हैं जहाँ तक मुझे लगता है। और अपनी किलचोर की टीम की तरफ वापस भाई चलना होगा, अपनी किलचोर की टीम के हम पास देख लिया जोकर का भाई, हम ऐसे ही बता देंगे आपको क्या सीन रहेगा, देखना होगा जोकर यहाँ पर कर पाते हैं। सामने नेट भी नफ करते हैं अपने जो भी जोकर यहाँ पर नेट एक सर्च पिनअप करके फेंक देना चाहेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है जोकर भाई यहाँ पर देखना। अपने किलचोर की टीम को भाई देख लिया, जो कि सैम बचे हैं वहाँ पर, सैम है, मैग है, आयान है, लेकिन भाई सामने वाली टीम भी मेरे कजन के ऊपर जस्ट नीचे ही है, जो कि उनके आयुष है जस्ट नीचे बैठे हुए हैं। उनके जो कि शेल भी हैं और टेरिकिंग है वो थोड़ा भाई दूर दूर बैठे हैं, तो फिलहाल देखना और क्या करवाएंगे। सर्जर ओतराज भी आ चुके हैं, तो फिलहाल देखना वो भाई थोड़ा दूर से आ चुके हैं, वो भी सामने मेरे कहा पूरी टीम आ चुकी है एक साइड, तो रश करना चाहेंगे। रोतराज एक साइड नेट भी नप करते हैं, टेरिकिंग को आयान भाई वहाँ पर स्प्रे देते हुए काफी गड़ा, और रोतराज वहाँ पर नेट नप करेंगे, नेट वहाँ पर उन्होंने फेंका था, एक नाम को वन एच पी यहाँ पर कर चुके हैं, सैम को वन एच पी किया गया, टेरिकिंग एक साइड जहाँ पर नेट पिनअप करते हैं, तो फिलहाल देखना, लेकिन वहाँ पर बचते हुए अपने शेल भी एक साइड नेट पिनअप करते हैं, नेडम नेडी का माहौल चलता होगा, आयान को यहाँ पर नोक डाला जाएगा, जहाँ शेल भी मेरे खाते नोक डाल सकते हैं, यहाँ तक मुझे लगता है शेल भी का काफी कड़ा नेड हो सकता है, तो जोकर भाई को बढ़ जाए यहाँ पर स्नेक भाई डीबीएस से फिनिश कर चुका, दो टीम में बस वन वी टू नेड अपने शेल भी का जैसे कर काफी उम्दा नेड हो सकता है। आयुष भी यहाँ पर एक नेड से सैम के नेड से कर चुके हैं, आयान अपनी टीम से अकेले बचे, आयान को देखो यहाँ पर आयान के कैमरे का दिखाते हैं, आयान यहाँ पर सामने काफी कड़ा सकते हैं, लेकिन भाई पीछे से उनके टीम के हम आना चाहेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है जी हाँ ट्रैकिंग एक साथ जाएंगे, और बड़े यहाँ पर ट्रैकिंग उनको फिनिश कर चुके हैं, काफी उम्दा भाई यहाँ पर वन वी टू काफी अच्छा नेट था, लेकिन पीछे से यहाँ पर आयान भाई यहाँ पर चारों टीम हम सिक्स हर्ड से रश कर गए थे, तो मैं भी यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। टीम आप 11 के हम सिक्स हर्ड से आ चुके हैं, टीम आप 7 के हम साथ फाइट लेना चाहेंगे, जो कि रेड विश्व बाहर की टीम के हम से रिया है, सामने देखने का क्या कुछ कर पाएंगे वो टीम के हम, काफी उम्दा भाई यहाँ पर खेलते हैं। और शैल भी भाई कर रोहतुराज भाई यहाँ पर सीधा नेट पिनअप कर चुके हैं, नेट वहाँ पर फेंकना चाहेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है रोहतुराज भाई का, तो मैं यहाँ पर नेड की जैसी को टीम का हम दिखता है उसको भाई यहाँ पर नेड किया जाएगा, जहाँ सामने एक साइड देखते हैं और 11 की टीम उसको सपोर्ट कर चुके हैं, सामने उनके ऊपर मेगा नेड पिनअप करेंगे। टीम नंबर 18 के वहाँ साइड से आ चुके हैं, वन भी भाई यहाँ पर तीन टीम एक साथ फाइट लेती हुई रह गई, भी थ्री भाई को नॉक किया गया, तो फिलहाल देखना टीम मौजूद 18 के नाम से वहाँ पर एक बच्चों को चुके हैं, डी एफ एच भाई वहाँ पर उनको देख लिया जाए, और रह गए भी भाई वहाँ पर उनके दो टीम यहाँ पर बचे, क्या कुछ कर पाएंगे? टीम 11 के नाम से वहाँ पर नेड वगैरह करते हुए देखना होगा कौन सी टीम भाई आज चिकन नीला लेकर जाने वाली है। किल शॉट काफी उम्दा यहाँ पर खेल रही थी अपने रोहतुराज की टीम भाई, काफी उम्दा खेल रही है यहाँ पर देखना, 13 के टीजर की टीम के हम एक सर्जन हो चुके हैं, जो टीम आवाज जो 22 के हम था एक सर्जन हो चुके हैं, और वहाँ पर देखना होगा बड़ी जी भाई वो फिनिश भी हो चुके हैं, काफी उम्दा वहाँ पर इंस्टेंट और इंस्टेंट फिनिश किया जा चुके हैं। टीम 13 के नाम से भाई को नॉक किया गया था, जो भाई उनके एनटीआर काल भाई वहाँ पर उनकी तरफ भाई उनको नॉक किया गया था, बड़े जी यहाँ पर उनको फिनिश भी वगैरह भी कर दिया गया। सामने देखो उन्होंने टीम का भाई देख लिया जाए, जो कि अभी भी भाई सामने तीन टीम बच्चे हैं, डी एफ एच भाई को वहाँ पर एक सर्च नोक किया गया, काफी उम्दा खेलते टीम 18 के नाम से वहाँ पर नोक किया गया था, बड़े जिले पीछे भाई मिश्र गूगल एक सर्च है, जो भाई उनके एनटीआर काल भाई थे उनको बड़े जिले यहाँ पर फिनिश कर चुके हैं, और भाई वापस भाई देखना हो जो कि वी आर 46 भाई पर भाई टीम जो 18 की दो टीम बच्चे उनको बड़े जिले यहाँ पर फिनिश कर देगा दोनों टीम आपको। ये सब के पास पूरा पूरा सर्कल है, बाकी सब टीमों को सर्कल करने जाना पड़ेगा। टीम नंबर 11 काफी उम्दा नेड वापस से 1v2 नेड अपने शैली का टीम 7 के नाम का वापस से 1v2 नेड किया गया, वापस मेरे खाते नेड करना चाहेंगे, चारों टीम एक साइड तरश करते हैं, नेक्स्ट वहाँ पर मेरे खाते नेड करेंगे, उनकी टीम विशु बचे हैं, कोई नाम यहाँ पर बचे जहाँ सामने काफी कड़ा नेड वापस नेड वगैरह ट्राई करते हैं, जो कि तीन टीम आपके साथ प्लान करते हैं, चार टीम नाम आपको देखा तो बड़ी यहाँ पर टीम 11 को मेरे खाते पुत्र सर्वाइव करेंगे, रिया विशु अपनी टीम सेकंड बचे हैं, रिया वहाँ पर विशु को मेरे खाते यहाँ पर फिनिश करने जाएंगे, और बड़े जिन यहाँ पर फिनिश करते हैं पूरी टीम को। टीम जो कि 7 के नाम से भाई क्या ही उनका खेल रहे हैं, जो कि अपने शैलवी हैं वो भाई 1v2 जो भी नेड कर रहे हैं, दो बार जो 1v2 भाई अभी तक हमें ग्रेनेड देखने के लिए मिला है, किल शॉट और दूसरा भाई जो कि नेक्सस टीम दोनों टीम के ऊपर 1v2 नेड हमें उनका देखने के लिए मिला है। सामने देखो 17 किल कर चुकी है वो टीम, टेरकिंग के 7 किले हैं, शेल्बी के 6 किले हैं, 2 किल भाई यहाँ पर आयुष के हैं, रोतुराज के 2 किले हैं, 17 किल कर चुकी है वो टीम अब तक। सामने देखो भाई काफी ज्यादा टीम होगी मेरे यहाँ पर वापस फाइट होने वाली, जहाँ तक मुझे लगता है स्नैक्स में यहाँ पर एक साइड नोक कर चुके हैं, टीएसएफ टीम विश्व भाई को नोक कर चुके हैं, और वहाँ पर देखने को
और एक मिस्टर गूगल को एक सर्च में किया गया कि ऐसा तुम जान सिर्फ सामने का ट्रेलर नहीं लोग एफएनसी डेड जो वहां पर देखना हुआ लीजेंड वहां पर उनके देख लिया लीजेंड डेड एफएनसी लीजेंड जो भी डेड थे टीम नंबर 3 के नाम से हमारे सर थे टीम नंबर 9 के दो टीम अर्शद भाई नॉक पड़े दो टीम नाम से वहां पर नॉक पड़े टीम नंबर 9 के खिलाफ देख सतीशन भाई और सतीशन को भी नॉक किया गया टीम 9 के नाम से F0 अपनी टीम से 16 बच्चे खिला देगा F0 जो अपनी टीम में पावर यस देंगे टीम में 3 के हम काफी अंदर खेलते हुए आज जो अपने एफएनसी लीजेंड लीजेंड की टीम में काफी अंदर वहां पर खेलते सामने मोली वगैरह करते हैं F0 भाई अपनी टीम में वहां पर यस देने की कोशिश कर रहे हैं और जो उनके आरडीएक्स हैं चढ़ सीधे ही रश करते सामने देखा F0 भाई से निकाल लेंगे आरडीएक्स को नॉक डाला गया F0 की तरफ से एफएनसी की लीजेंड एसके उनके चाहिए नेक्स्ट भाई को वहां पर नॉक कर दिया स्नेक को नॉक कर 24 के दो टीम में नॉक पड़े सामने देखो बैक से स्नेक वहाँ पर और बड़े यहाँ पर जो वैक्सी भाव को यहाँ पर फिनिश करते हैं टीएसएफ की भाई पूरी टीम यहाँ पर फिनिश वगैरह करते हैं बड़ी जिली सामने देखा टीम की 3 के नाम से आरडीएक्स वहाँ पर नॉक पड़े श्रीशंक एफ जो श्रीशंक भाई को रियाज दिया जा चुका है F0 की तरफ से और जो ए भी भाई है एसके हैं उन्हें पहले भाई जाना चाहिए था क्योंकि भाई की टीम के सामने उन्होंने नॉक कर रखा था मेका जहाँ पर जा सकते थे और एक टीम इंस्टेंट फिनिश कर चुके थे फिलहाल देखना होगा होटर और बोर्ड को फिलहाल देख लिया जाएंगे टीम के हम सब बाकी देख लिया जाएंगे टीम जो कि F0 है श्रीशांत के वहाँ पर क्या उचर पाएंगे टीम के हम सामने नेट करेंगे श्रीशांत काफी उन वहाँ पर नेट किया गया था लेकिन वहाँ पर वापस यहाँ पर नेट किन अप करेंगे श्रीशांत भाई और वापस मेरे यहाँ पर फेंकना चाहेंगे काफी नेट और जो मैम गैस के भाई को काफी कड़ा स्प्रे दिया गया वापस भाई यहाँ पर सामने का भाई नेट किया गया और आरडीएक्स भाई को वापस भाई यहाँ पर नेट करते हैं जो भाई श्रीशांत भाई वापस नेट किन अप कर चुके हैं वापस भाई यहाँ पर नेट करते हैं फ्रेंड्स जो कि लीजेंड ए भी है वो पूरा फेंक करते हैं F0 भाई F0 भाई यहाँ पर फ्लैंक वगैरह करने को या फिर मोली वगैरह यहाँ पर करने को या मोली की F0 की तरफ से फिलहाल देख लिया जो कि अपने आरडीएक्स यहाँ पर क्या उसे पाएंगे श्रीशांत एक सर्जन को देखने हुआ F0 और आर जो भाई के एसके को फिनिश किया जाएगा ए भी भाई को मेरे ख्याल से फिनिश कर सकते हैं श्रीशांत को वहाँ पर बचे हैं F0 बचे हैं दो टीम बचे हैं आरडीएक्स को वहाँ पर देखना होगा क्या कुछ कर पाएंगे जो कि अपने आरडीएक्स है देखना ये भी होगा कि भाई आज कौन सी टीम चिकन लेना लेकर जाती है फिलहाल देख लिया जो कि अपने एफएनसी लीजेंड जो आरडीएक्स भाई वहाँ पर F0 एक सर्जन को प्रवेश करते हैं श्रीशंक मेगा F0 जो भी यहाँ पर एक सर्जन फ्लैंक कर चुके हैं वहाँ पर एक सर्जन सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं कि भाई जो उनकी टीम गेम से आरडीएक्स वहाँ पर कहाँ पर फिलहाल देखना आरडीएक्स वहाँ पर एक सर्जन सपोर्ट कर चुके हैं जहाँ जो उनके F0 को एक सर्जन भाई सपोर्ट कर चुके हैं वो टीम गेम सामने स्प्रे दे सकते हैं जो कि F0 को काफी कड़ा स्प्रे दे सकते थे लेकिन भाई उन्होंने नहीं दिया वहाँ पर एक सर्जन भाई एक एम उनके हाथों में मेरे ख्याल से यहाँ से भी निकलना चाहेंगे श्रीशंक में क्या F0 उनको स्प्रे देंगे आई थिंक जी नहीं वो टीम का भाई काफी ज्यादा दूर निकल गया मेरे ख्याल थोड़ा कवर में जा चुके हैं वो टीम का F0 जो कि श्रीशंक है वहाँ पर लेकिन सपोर्ट कर जाएंगे जो कि अपने F0 है सपोर्ट किया अपने F0 ने वहाँ पर उनको भाई स्प्रे देने की कोशिश की गई थी लेकिन थोड़ा दूर निकल गया वो टीम के इसलिए श्रीशंक भाई एक सर्ज आने की कोशिश करते हुए मेरे ख्याल से आना चाहेंगे वो टीम के एक सर्ज उनके ऊपर भाई रश वगैरह करेंगे मार्क वगैरह कर चुके हैं भाई वहाँ पर देख लिया जो कि अपने F0 वहाँ पर एक सर्ज नेट वगैरह ट्राई करेंगे F0 वहाँ पर एक सर्ज नेट पिन अप कर चुके हैं सामने नेट फेंकते हो लेकिन भाई जो अपने आरडीएक्स वहाँ पर एक सर्ज दूर निकलते हैं F0 भाई उनको वापस मेरे ख्याल सपोर्ट करेंगे श्रीशंक भाई एक सर्ज वहाँ पर चढ़ते हो श्रीशंक भाई मेरे ख्याल सपोर्ट कर जाएंगे जहाँ तक मुझे लगता है लेकिन अपनी जो आरडीएक्स है वो एक सर्ज कवर के अंदर निकलते हुए वापस जहाँ सामने काफी जो श्रीशंक भाई वहाँ पर मेरे ख्याल से सपोर्ट वगैरह कर चुके हैं वो टीम का जहाँ तक मुझे लगता है यह एक सर्ज लेकिन भाई सामने वो टीम भाई निकलना चाहेंगे जो अपने आरडीएक्स वहाँ पर निकलना चाहेंगे श्रीशंक भाई F0 भाई एक सर्ज उनके ऊपर भाई जाते हुए तक भाई उनको सपोर्ट करें और उसके बाद भाई यहाँ पर उनको फाइट वगैरह फिलहाल देख लिया जो अपने आरडीएक्स देखो होम चिपकाते हैं F0 को वहाँ पर आरडीएक्स F0 की होम चिपका चुके हैं फिनिश करने के वहाँ पर पूरी पूरी भाई कोशिश की जा रही है सामने देखना उनके श्रीशंक भाई को देखना वहाँ पर काफी चलवाएंगे सामने काफी कड़ा श्रीशंक भाई एक सर्जनों करेंगे और श्रीशंक भाई बढ़ यहाँ पर उनको नॉक वगैरह कर चुके हैं सामने देखना होगा जो वापस भाई पीछे भी जस्ट फाइट हो रही थी ईगल इरफान भाई की एक सर्ज भाई फाइट चल रही थी तो फिलहाल उनको देखना होगा जो कि अपने ईगल इरफान भाई यहाँ पर उनको देख लिया उनकी टीम के आम जस्ट फाइट चल रही थी जो रेड की टीम के आम के साथ आई थिंक वहाँ पर आज खेल रहे हैं जो कि टीम 16 के मेंबर्स हैं काफी उमदा भाई यहाँ पर खेलते वो टीम के आम से सामने श्रीशंक भाई अपनी टीम से 16 बच्चे हैं आज सीधा सामने जाते हैं ईगल की इरफान है रेड अकेले हैं रेड विजार्ट हैं वोटिंग के अंदर नौकर डाल सकते हैं श्रीशंक भाई काफी ज्यादा क्लोज आकर रुक चुके हैं सामने नेट पिन अप करेंगे अकेला भाई चार्ज रश करते हैं तो फिलहाल देखना अकेला के ऊपर नेट वगैरह करने जाएंगे अकेला को नोक डालेंगे अकेला को नोक डाल करेंगे काफी उमदा फिनिश करते हैं सामने देखना पूरी टीम बड़े जिले जो कि मोहन भाई थे यहाँ पर बड़े जिले उनको फिनिश कर चुके हैं और अपनी टीम हम यहाँ पर बड़े जिले यहाँ पर रियाज दे देंगे सामने नेट पिन अप करेंगे जस्ट उन्होंने टाइम नहीं लगा वरना भाई वहाँ पर नेट वगैरह कर सकते हैं टीएसएफ टीम के हम तभी तक कराई हुए तीन टीम हम चलाई हुए
एसआर के अब्दुल, टीजेड, राइजन भाई टीम के अंतु एलाय, टीम नंबर 6-7 भाई तक पूरी अलाइव है। तो फिलहाल देखना 17 किल के साथ भाई काफी ज्यादा, आई थिंक सबसे हाईएस्ट किल, मतलब आज के कस्टम के सबसे हाईएस्ट किल भाई अभी तक जो टीम अलाइव है वो वहीं पर है। रोहतराज की जो भी टीम है वो वहीं पर है। सामने देखो 4 किल अवंटी एसएफ टीम के अंत के हैं, रेड की टीम के अंत के लिए टीजेड की टीम के अंत किया गया। सामने देखो राइजन भाई को नॉक किया गया, एसआर के अब्दुल भाई मेरे ख्याल टीम से अकेले बचे हैं, एक ही किल था और भाई वो भी देख लीजिए आपने, अब्दुल भाई अकेला भाई या अकेला लखनऊ डालने की कोशिश की लेकिन भाई नहीं डाल पाए। ऐसा रेड अकेला बड़े यहाँ पर जो कि एसआर के अब्दुल थे उनको भाई फिनिश कर चुके हैं। सामने देखना हुआ जो कि अपने रेड अकेला की टीम के टोटल 3 किल है सभी के, विजार्ड भाई को छोड़ के सभी का एक एक किल है। वापिस से भाई देखना हुआ अपनी जो कि एक और टीम वहाँ पर बच करके टोटल 3 टीमें बची हैं। टीएसएफ के टोटल 4 किल हैं, डार्क सोल के 2, बाकी दोनों टीमें हमसे 16 16 किल हैं यहाँ पर फिनिश कर। नेक्स्ट वापस देखना अपनी जो कि रोहतराज की टीम वहाँ पर 16 बची, एक और टीम बची है। 6 किल अपने शेल्बी के जस्टिन के अभी बताए थे, 7 किल अपनी जो टैरकिंग है, 3 किल आयुष है, 2 किल भाई रोहतराज है। सामने देखना हुआ क्या कुछ कर पाएंगे, सर्कल के अंदर वो टीम आ चुकी है। टीएसएफ की टीम के हमसे सर्कल के अंदर आना है, रेड की टीम पहले सर्कल के अंदर है, देखना ही होगा तीनों टीम से मैच से कौन सी टीम चिकन डिनर लेकर जाती है। शेल्बी की टीम, रोहतराज की टीम काफी कैड प्रदर्शन यहाँ पर दिखाती है, जो कि टीम आसान के वहाँ से है। रेड अकेला भाई भी काफी अच्छा यहाँ पर खेलते हुए फिलहाल, और जो कि अपने फिनिक्स है वो भी काफी अच्छा खेलते हुए यहाँ पर, जो कि अपने 3 किल के साथ चलते हो अपने रेड की टीम में के हम सर, जो कि अपने उनकी टीम के हम सर वो 4 किल की लीड से यहाँ पर चलते हो। और बाकी जो दूसरी टीम अपने रोहतराज की टीम है वो भाई ज़्यादा ही 18 किल के साथ भाई यहाँ पर आगे चलती है वो टीम के हम सर। फिलहाल देख लिया अपने इरफान को वहाँ पर नोक डाला जाएगा, टीएसएफ की टीम हम सब नोक डाला गया रेड विजार्ड भाई की तरफ से, रेड विजार्ड को एक साइड से नोक डाला गया डार्क शोल की तरफ से, इंस्टेंट और इंस्टेंट फिनिश किया जा चुका है। तो फिलहाल देखना होगा जो कि उनकी टीम के हम से डार्क शोल थे उनको मेरे ख्याल से बड़े यहाँ पर याद दिया जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है सॉरी विश्वा जो भी थे वहाँ पर उनको बड़े यहाँ पर याद दिया जाएगा। और टीम आसान के हम से खर्च मेरे यहाँ देख लिया जो कि टैरकिंग भाव वहाँ पर क्या भाई एक चार जाना चाहेंगे टैरकिंग भाव के पास, फिलहाल यहाँ पर देख लिया जाए विश्वा भाई वापस भाई सर्कल दोनों को चुके हैं, फिनिश भी हो जाएंगे। और जो उनके इनके डार्क शोल है वो भी मेरे को फिनिश होते दिखाई दे रहे हैं, डार्क शोल भाई नौ चुके हैं, स्नैक्स बचे हैं, फिनिक्स बचे हैं, 2 टीम आ चुके हैं। सामने देखना उनके रेड अकेला भाई नौ चुके हैं, मोइन बचे हैं, मेरी टीम से 16 बचे हैं, जो कि अपने मोइन है वहाँ पर 16 बचे हैं। पीछे से भाई 4 टीम है यहाँ पर पूरे अलाइव है, मेरे ख्याल से रोहतराज की टीम यहाँ पर चिकन डिनर लेकर जा सकती है जहाँ तक मुझे लगता है भाई, क्योंकि भाई जो कि अपनी टीम में 6 के हम उसके पास सर्कल भी नहीं है, सर्कल का एडवांटेज सबसे बड़ी बात है टीम के पास सर्कल का एडवांटेज है, ऊपर से 4 टीम हम चलाई हैं, 2 टीम का यहाँ पर ज्यादा भाई यहाँ पर चलता हुआ होगा, जो कि भाई तीनों चारों साइड से भाई उन्हीं के पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर चिकन डिनर लेकर जाने की। किल्स उनके मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ कितने किल भाई उन्होंने करके, टोटल 19 किल रखे हैं। और ये अगर भाई यहाँ पर मोइन भाई है उन 2 टीम को भाई यहाँ पर लेकर जाते हैं तो 21 किल कर जाएंगे वो देख लिया, जो कि फिनिक्स को काफी कड़स पे देने की कोशिश करते हैं वो टीम के आम काफी उमदा खेलते हुए, जो भाई उनके टीम के आम काफी उमदा भाई यहाँ पर खेलते हुए। सामने देखना उनके टीम मोइन बच रखे हैं यहाँ पर क्या कुछ पाएंगे, वो टीम के जो कि अपना मोइन है अपनी टीम 16 बचे हैं, फिनिक्स है, स्निक्स एक साइड से मेरे ख्याल यहाँ पर एक साइड जो फ्लैंक वगैरह करने की कोशिश करेंगे, टैरिक में भाई वहाँ पर देखना होगा आयुष भाई वहाँ पर एक साइड जो कि अपने टीएसएफ की टीम के यहाँ पर मेरे फ्लैंक करके सर्कल के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है वहाँ पर सर्कल के अंदर आ भी पाएंगे। शेल्बी को सपोर्ट करने की वहाँ पर कोशिश करते हैं, लेकिन शेल्बी भी एक साइड से भाई सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सामने वो जो कि अपने मुझे लगता है भाई यहाँ पर चिकन डिनर लेकर जाने वाले हैं, कि भाई 20 सेकंड बचे हैं सर्कल के अंदर, भाई उन्हें निकलना पड़ेगा, काफी ज्यादा दिक्कत आने वाली टीम है 6 के हम स्कोर बड़े यहाँ पर 4 टीम है जो कि अपनी पोजीशन लेकर बैठे हुए हैं, पोजीशन सामने वाली टीम के हम उनको पता है कि भाई कहाँ कहाँ पर है सामने वाली टीम के हम स्मोक वगैरह वहाँ पर कराने की कोशिश करते हैं। सामने जो कि शेल्बी को काफी कड़ा एक स्प्रे दिया गया था एक साइड शेल्बी को, और वहाँ पर देखो मेरे ख्याल बच्चे और निकलेंगे वो टीम के हम थोड़ा पीछे बैक साइड निकलेंगे जो काफी अच्छी बात है। तो फिलहाल देख लिया उनकी टीम के हम क्योंकि प्लैंक करके बाद टीम के हम निकलना है, मोइन भाई सर्कल में और मोइन भाई यहाँ पर फिनिश होते हैं, आयुष भाई यहाँ पर उनका करते हुए 20 किल भाई तक कर चुके और 2 मेरे ख्याल से यहाँ पर बाइक होने वाले, अगर स्निक भाई सर्कल से फिनिश ना हो तो मेरे ख्याल से 22 किल करके वो टीम चिकन डिनर लेकर जाने वाले, स्निक भाई कर जाएंगे जी हाँ स्निक्स भाई को वहाँ पर देख लिया जाए, एक सर्द भाई जो कि शेल भी थे वहाँ पर फिनिश कर चुके थे। तो फिलहाल देखना होगा यहाँ पर जो कि उनके टैरकिंग थे 22 किल करके वो टीम चिकन डिनर करके गई है, कॉन्ग्रेचुलेशन और वेल प्लेड भाई सभी टीमों के लिए, 8 किल अपने टैरकिंग के, 7 किल शेल भी के, 5 किल आयुष के और 2 किलो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई वेल प्लेड सभी टीमों के लिए। हेलो सो वेलकम बैक एंड बैक टू द बीजीएम गेमर्स न्यू स्ट्रीम। तो कैसे आप सब भाई यहाँ पर देख लिया जाए काफ़ी सारे बंदे मतलब 84 बंदे भाई यहाँ पर ज्वाइन हो गए हैं। तो फिलहाल देखना होगा प्लेन पाथ का भाई डेस्टिनेशन देख लिया जाए, जो कि अपना भाई शूटिंग रेंज से होता हुआ सीधा ही नौ की तरफ को निकलता हुआ, डेस्टिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। देखने को अपने 81 जो कि पांडे हैं अपनी टीम से अकेले आ चुके हैं, जीजी आ चुके हैं, फैंसी लीजेंड की टीम आ चुकी है, केजीएफ यहाँ पर किलर वाइटी भाई आ चुके हैं। तो फिलहाल देखना होगा यहाँ पर अपने ईगल भाई की टीम आ चुकी है, टीएसएफ की पूरी टीम आई है, का भाई रोकी आ रखे हैं, L2 के शेल भी आई है, OP की पूरी टीम आई है यहाँ पर देखना होगा, मुजी की यहाँ पर टीम आई है, किलशॉट की टीम यहाँ पर आई है देखना होगा, अपने डुगू की टीम आई है वहाँ पर देखना होगा, दी फैलकन की यहाँ पर पूरी टीम आई है, किलशॉट सैम भाव यहाँ पर टीम आती हुई, रेड की पूरी टीम, रेड आदि भाव यहाँ पर आते,
बैट बॉय यहाँ पर आ चुके हैं देखने वास्ते, सभी टीम भाई यहाँ पर उतर चुकी है। एक टीम जो कि भाई यहाँ पर अपना जोर जो यहाँ पर देखना जो एक टीम जाती है कोचिंग की खड़ा अपना फिक्स करके अपने किचन पर जाने वाले मेरी शादी के साथ रेड भी जाने वाले पर जाती है। रेड जाती है वो जो लेकिन बैक साइड सीट में जाएगा पार्ट के अंदर देखना पड़ेगा किसी टीम पत्तियां पार्ट के अंदर मेरे ख्याल से बहुत टीमें उतरी हैं। अब पार्ट के अंदर सबसे पहले मेरे ख्याल जहाँ तक मुझे लगता है पार्ट देखने के लिए मिल सकती है, बाकी देखना मिल्टा कुछ टीमें जाएंगी मिल्टा पावर जाएंगी जहाँ तक मुझे लगता है, देखना हो भाई टीमें बाकी कहाँ कहाँ पर जाती है जो कि मेरे ख्याल सबसे पहले पार्ट के अंदर भाई देख लिया जाएगी। यहाँ पार्ट के अंदर भाई जो अपने यहाँ पर जैसे मैं बड़े इजिली भाई जो उनकी टीम के आम से और जो कि उस्मान भाई जहाँ पर बड़े जिनको फिनिश वगैरह करती हैं सामने देखना हो। हाँ मेरी जान वहाँ पर रेड की टीम को देखना होगा भाई रोकी भाई टीम नंबर थ्री के नाम से आई थिंक रिफाइड उसके तो फिलहाल देखना होगा जो कि टीम नंबर थ्री के नाम से यहाँ पर आर डी एफ जो है एफ एन सी एंड आर डी एफ जो कि नोवो के अंदर यहाँ पर फाइट होती है। टीम नंबर थ्री के आदमी नोक पड़े हैं जिनको बड़े जिली से रिवाइव दिया जाएगा जहाँ बड़े जिली हुआ उसके मार्कोस वाइटी भाई एक साइड से उन्होंने उनकी टीम के नाम से आई थिंक नोक पड़े थे मार्कोस वाइटी भाई इंस्टेंट नोक और फिनिश हो चुके हैं बड़े जिली जो कि भाई नो के अंदर ये फाइट हो रही थी टीम नंबर जो मेरे खाते एट के नाम से जहाँ तक मुझे लगता है जी हाँ मार्कोस वाइट में बड़े यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं वो टीम के नाम से। अभी मेरे ख्याल से यहाँ पर टीम नंबर टू के नाम से काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं जो कि एल्टी के गोड हैं वहाँ पर देखेंगे शेल भी हैं जी जी भाई यहाँ पर क्या कुछ कर पाएंगे वो टीम के नाम से जो कि टीम नंबर थ्री के नाम से यहाँ पर एक साइड से हैं। बाकी टीमों को भाई यहाँ पर देखना हो जो भाई ये आशियाना है उनकी साइड देखना अपने टी एस एफ की टीम के नाम से यहाँ पर फाइट हो चुके जो कि टी एस एफ विश्व भारत यहाँ पर फाइट हो चुके एक साइड से देखना होगा अपने जो कि टीम नंबर सिक्स के नाम से उनको देख लिया मिलिट्री बेस के अंदर जो कि उनकी फाइट होती है और बड़े यहाँ पर वो मेरे ख्याल से नीचे एक नाम से नोक करके उठा के घूम रहे हैं जो कि टीम नंबर आई थिंक 11 के ही मेंबर्स हैं एंग्री बॉय और वहाँ देखना एफ जीरो भाई काफ़ी ज़्यादा दूर अपनी टीम से मेरे ख्याल टीम मैम के पास जाने की कोशिश करते हैं और एज रेड आदि भाई को नोक किया गया पार्ट के अंदर ही फाइट चलती है एक साइड देखना टी जेड की टीम के हम भी एक वहाँ पर नॉक पड़े हैं टी जेड जो कि राजधान बच्चे हैं अब्दुल बच्चे हैं दो टीम सामने भाई एफ जेड के वहाँ पर रेड आदि भाई जो कि उन्होंने नॉक वगैरह किया था जहाँ दो टीम के पास नॉक पड़े थे फिनिश किया जाए जी नहीं उनको फिनिश नहीं करेंगे अपनी टीम हम कहाँ पर दे चुके हैं जो कि राजधान भाई यहाँ पर उनके अब्दुल है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है जहाँ तक मुझे लगता है जी हाँ जो कि एसआर के अब्दुल हैं वो भाई नौ के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं और भाई यहाँ पर देख रहा हूँ क्या कुछ करवाएंगे टीम के नाम बाकी कोई टीमों को देखना होगा बाकी कोई टीम अगर ज़्यादा क्लोज है टीम फाइव के हम देख करते नौ पड़े थे जिनको बड़े यहाँ पर मिल चुका है गलतोड़ भाई जो भाई अपना पोचंगी के अंदर को नॉक किया गया था किलशोर की टीम की तरफ से क्या उनको फिनिश करेंगे एंग्री बॉय जो टीम 11 के नाम से और फिनिश हो चुके हैं जो कि मिलिट्री बेस के अंदर उनकी फाइट चल रही थी और एफ जीरो को भी नॉक डाल दिया गया टीम है 11 के नाम से मिलिट्री बेस के अंदर भाई वहाँ पर बड़े जिन्हें उनको मेरे ख्याल से फिनिश करेंगे उनकी एक और जो कि टीम के नाम से काफ़ी ज़्यादा दूर है अपनी टीम से जी हाँ बहुत ज़्यादा दूर है जो कि उनके पी एस वाई मुझे हैं बहुत ज़्यादा दूर तो मुझे लगता है वहाँ पर बचा पाएंगे वो टीम के आम से और बड़े यहाँ पर टी एस की टीम के आम से उनको फिनिश करेंगे सामने देखें आदि भाई वहाँ पर वापस से नॉक कर चुके हैं और उनके आर टी एस भाई रोहित भाई को वहाँ पर उन्होंने इंस्टेंट नॉक और इंस्टेंट फिनिश किया टीम नंबर जो जिसके नाम से उनको देखना होगा 25 के नाम से वहाँ पर देखना होगा। हाँ मेरी जान वहाँ पर उनके बच रखे हैं तो फिलहाल देखना होगा और संतु वहाँ पर उनके क्या कुछ पाएंगे किलशॉट भाई वहाँ पर ईगल नूप भाई को वहाँ पर एक साइड से नॉक कर चुके हैं तो फिलहाल देखना होगा क्या भाई फिनिश करेंगे क्या भाई रोकी एल टू के चल भी यहाँ पर जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पर उनके टीम नंबर एट के नाम से फाइट हो रही थी फिलहाल दिनों टीम नंबर एट के नाम से वहाँ पर दो टीम नाम नॉक पड़े हैं वी आर फोर सिक्स वाइपर भाई अपनी टीम से वाइपर भाई नंबर एट यहाँ पर फिंच और आदि भाई वहाँ पर बड़े जिन्हें कहा जो कि हाँ मेरी जान की टीम के बड़े यहाँ पर फिंच वगैरह कर चुके हैं तुम्हें लगता है टी जेड की टीम के हम उनके ऊपर रश करेंगे जो भाई रेड आदि भाई वहाँ पर बड़े जिन यहाँ पर उनकी टीम को फिनिश करती है टीम यहाँ पर जिसके हम से रेड आदि और मेरे ख्याल सामने रश करना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है दो ही टीम हमसे वहाँ पर ईगल जो कि तोड़ भाई को वहाँ पर फिनिश कर देगा बड़े जिले जो कि किशोर की टीम के हमसे वहाँ पर देखूंगा जी टी एक्स गेमर वाई टी भाई को बड़े यहाँ पर कोई स्कोर को यहाँ पर वाइप करते हुए टीम के हम सामने देख रहे हैं भाई वो टीम यहाँ बड़े जिले यहाँ पर वाइप वगैरह करते हुए बाकी टीमों के हम तरफ यहाँ पर जरूर चलना चाहेंगे बाकी कोई टीम ज़्यादा जहाँ तक मुझे लगता है जो कि वापस भाई एस आर के अब्दुल जो कि अपनी टीम से अकेले बचे हैं वहाँ पर जो कि नौ की साइड वहाँ पर बच रखेंगे भाई टीम नंबर टू के नाम से ज़्यादा वहाँ पर फाइट लेना चाहेंगे टीम नंबर टू के नाम जो वहाँ पर अब तक लाइव हैं और जो कि टीम नंबर थ्री के नाम से आई थिंक यहाँ से निकल गए हैं क्योंकि उनको पता है यहाँ पर ऊपर फायदा नहीं है सामने देखो जो वो उनकी टीम नंबर 24 के नाम से ज़्यादा आई थिंक फाइट हुई जहाँ तक मुझे लगता है या स्नेक भाई यहाँ पर एक साइड से नॉक पड़े हैं टीम जो कि 24 के नाम से यहाँ पर एक साइड से नॉक पड़े हैं जो वो ने भाई उनको नॉक किया था
बड़ी जिले में कैजुअल को रिवाइव मिल जाएगा, जो वो बाहर के ऊपर नेट वगैरह वहाँ पर चलता हो, बैटमैन है, कॉपी का क्या कुछ कर पाएंगे वो टीम का हमको फिलहाल देखना होगा। और जो कि उनके भाई एक साइड से पूल बॉय, एक साइड से मेरे कैजुअल रेस्टोरेंट में कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर पूल बॉय उनके सामने वाले पार्ट में घुस चुके हैं। टी वन पांडा जो कि अपनी टीम से 16-30 में बन के हम तो बड़े जिले यहाँ पर खेल चुके हैं, सामने वापस भाई नेट किया जा रहा है पूल बॉय की तरफ से, वहाँ पर ट्राई वगैरह किया जा रहा है। देखिए भाई यहाँ पर क्या कुछ बात है, ऊपर भाई यहाँ पर नेट ट्राई करते हैं और अपने हाथों में नेट ना फोल्ड, बैटमैन के ऊपर भाई नेट करने का ट्राई किया गया था। बैटमैन भाई बड़े जी अपने कहा नॉक डाल सकते हैं कूल बॉय को, जहाँ तक मुझे लगता है वनएचपी बचा अपने कूल बॉय, और कूल बॉय भाई वहाँ पर नॉक डाल गया है। स्नेक भाई और क्या कुछ कर पाएंगे फिलहाल देखना है, यहाँ पर उनके स्नेक बचे क्या कुछ पाएंगे। मिस्टर गूगल भी आए हैं फिलहाल देखना, Google 07 और जो बॉय आए उनको वहाँ पर देख रहा हूँ, बड़े जहाँ पर फिनिश करते हैं। स्नेक है, मैक्स है, बैक्टेरिया भी और गूगल विशाल को नॉक कर चुके हैं, तो फिलहाल देखना होगा। गूगल बिल्कुल यहाँ पर विशाल को मैप का रास्ता दिखा चुके हैं, लेकिन भाई अभी तक लोबी का रास्ता नहीं दिखा पाए हैं, सामने देखना उसने एक भाई जो वो अपने टीम में वहाँ पर रिहाफ देते हैं, तो फिलहाल देखना होगा। और पिकाचू भाई यहाँ पर कवर देने के लिए रेडी है, बैटमैन कवर देने के लिए रेडी है, और बड़े यहाँ पर रिहाफ हो चुके हैं टीम के, हम सीधा निकलेंगे। सामने देखना होगा टी जेड जो कि रायतन भाई नॉक हो चुके हैं पार्ट के अंदर, एक साइड से नॉक पड़े होंगे सोलो टीम के अंदर और बचे वो भी नॉक हो चुके हैं सोलो भाई, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर हैं टोपी भाई और बड़े यहाँ पर उनको पिंच करते हुए, लेकिन जो कि अपने एस आर के अब्दुल है बहुत ज़्यादा दूर अपनी टीम से, अपनी टीम के पास जाने हम वहाँ पर देखना हो वो भाई सोलो बचे हैं यहाँ पर, अंकुश जो कि अपनी टीम से सोलो बचे हैं, बाकी देखना जो कि उनकी टीम की तरफ चले जाए, जो कि टीम ऑफ 14 के हम जे एक्स सॉरी भाई, और यहाँ पर टीम के हम थे ओपी की टीम के साथ उनकी फाइट चली जाने का, ओपी मशीन भाई टीम हम सुनो कुछ दी फैलकन को टीम ऑफ 14 के हम मिल्टा के अंदर वहाँ पर एक साइड सुनो कुछ टीम नंबर 10 के हम सुनने भाई वहाँ पर नॉक डाला है जे एक्स सॉरी, अपनी टीम हम क्लियर देने के लिए आना चाहेंगे। और बड़े इजिली यहाँ पर एम आर चिपकाते हुए अपने बटर जावेद भाई, काफ़ी उमदा एम आर का हेड वहाँ पर चिपकाते हुए, इसी तरीके से हम देखना अपने भाई जो कि पी एस अजीत भाई अपनी टीम बचाने के लिए जाएंगे और बड़े इजिली यहाँ तक मुझे लगता है रिवाज दे देंगे, क्योंकि भाई ऊपर चारों साइड से कवर है, तो बड़े इजिली अपने टीम हम यहाँ पर रिवाज दे देंगे। वापिस से भाई देखना होगा जो कि अपने ओपी गोड फाता है यहाँ पर सामने स्प्रे देने की कोशिश करते हैं, दी फैलकन में बड़े इजिली यहाँ पर रिवाइव हो चुके हैं, वापिस से भाई देखना स्मोक करेंगे और उसके बाद यहाँ से निकलना चाहेंगे वो टीम के, हम बस स्मोक कर चुके हैं और सीधा निकलेंगे। और उनके स्कल आर के को देखना होगा, यहाँ पर स्कल आर के हैं बटर जावेद हैं जो कि यहाँ पर एम आर लेकर बैठे हैं, एम आर पूरा चिपकाएंगे भाई यहाँ पर तक में बैठे हैं, काफी उमदा यहाँ पर हमारे उन्होंने चिपकाई थी, वापस में गया चिपकाने का यहाँ पर ट्राई करेंगे कि भाई वोटिंग ग्राउंड बड़े यहाँ पर हो चुके हैं, आनंद भाई से ऊपर से गिर कर भाई कहीं से उनके नॉक हो गए, फिलहाल देखना हुआ आनंद भाई कहाँ पर, और बड़े यहाँ पर मैं कहा जो कि अंकुश थे अपनी टीम से जो कि वहाँ 25 के 16 टीम ग्राउंड से बचे थे, वो भाई यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं। सामने देखना उनकी टीम ग्राउंड से भाई देख ली जाए जो टीम 14 ग्राउंड से टीम नंबर 10 कौन सी टीम भाई वहाँ से बचकर निकलती है मिल्टा के अंदर से, तो देखना होगा कौन सी टीम बचकर निकलने वाली है। और जहाँ तक मुझे लगता है मिलिट्री बेस के बिजली की साइड भी जल्दी हमें पार देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन भाई अभी तो नहीं, क्योंकि भाई अभी थोड़ी टीमें थोड़ी दूर दूर हैं, जो टीम नंबर 11 के खैर वहाँ पर 16 टीम के नाम से टीम नंबर 3 के नाम से, और वहाँ पर काफ़ी सारा क्लोज टीम नंबर 20 के नाम से है, तो मैं भी उनकी जल्दी हमें पार देखने के लिए मिल सकती है। बाकी टीमों को देखना हो, बाकी टीम ज़्यादा क्लोज नहीं है सिवाय अपनी टीम नंबर 14 और टीम नंबर 10 के अलावा, भाई कोई भी टीम ज़्यादा क्लोज नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है, बाकी टीमें थोड़ा दूर दूर है, उनकी फाइट होने में थोड़ा भाई यहाँ पर टाइम लगने वाला है। बाकी देखना हो यहाँ पर टीमों को जो कि मेरा टीम नंबर 24 और जो कि अपने भाई टीम नंबर 19 के नाम से भाई काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, तो मैं भी देखना वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज है उनकी फाइट भी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं हो रही है। उन्होंने एक 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 टीम को फिनिश किया है जो कि उनके पूल बॉय थे टीम नंबर 24 के नाम से, एक टाइम में फिनिश हुए थे, लेकिन भाई अपनी टीम को बचा लेंगे। वैक्सी आज अलग से मेरे ख्याल से खेल रहे हैं, क्योंकि उनकी टीम में कोई और घुस गया था, तो अपने जो कि वैक्सी थे वो स्मोक था नो सो डेविल के साथ यहाँ पर खेल रहे हैं, जो कि टीम नंबर 23 के नाम से उनके साथ खेल रहे हैं, उनके में मिस्टर गूगल या कूल बॉय आ गए थे, तो मैं भी भाई यहाँ पर देख रहा हूँ उनको जगह नहीं मिली, तो इसलिए भाई यहाँ पर उनको दूसरी टीम के साथ यहाँ पर खेलना पड़ रहा है, वरना अपने मैक्स स्नेक और जो कि वैक्सीन है वो एक टीम के मेंबर्स हैं यहाँ पर देखने को, और उनके साथ एक और टीम मेंबर्स आ जाते हैं, तो फिलहाल देखना होगा जो कि कभी कभार मोस्टर आ जाते हैं, तो कभी कभार कोई आ जाता है, तो फिलहाल देखना होगा जो टीम 14 के की तरफ भाई चलना होगा। टीम नंबर 10 वर्सेस टीम नंबर 14 वहाँ पर चल रहा है, लेकिन कोई भी टीम के हमसे एक दूसरे के ऊपर भाई यहाँ पर रश के लिए फिलहाल रेडी नहीं है। सामने देखने और टीमों को भाई यहाँ पर निकलना पड़ेगा, जैसी टीम है भाई एक दूसरे के ऊपर भाई यहाँ से निकलेंगे सर्कल के अंदर मूव करेंगी, उसके बाद ही हमें यहाँ पर फाइट देखने के लिए मेरे ख्याल से मिलने वाली है, क्योंकि अभी तो टीमें भाई अपने अपनी लूट में लगी हैं, जो कि भाई उनके पास जो कि स्क्वाड है वो उन्होंने फिनिश कर दिया, और भाई अपने अपनी लूट में यहाँ पर लग चुके हैं, अपनी किल शॉट जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पर अभी तक अपने पोचंकी के अंदर ही है वो भी भाई वहाँ पर नहीं निकली है, मेरे ख्याल से वहाँ पर शॉपिंग वगैरह के पास रुकी है वो टीम के, हम जहाँ तक मुझे लगता है जहाँ शॉप पर वहाँ पर रुके हैं, उसके बाद शॉपिंग करके वहाँ से निकलना चाहेंगे, तो फिलहाल देखना वो टीम के हम बस बाकी टीमों को भाई यहाँ पर देख लिया, बाकी कोई टीम ज़्यादा क्लोज है, बाकी कोई भी टीम भाई इतने ज़्यादा जहाँ तक मुझे लगता है अपने जो टेरर किंग भाई यार है वो याशाना की तरफ जा सकते हैं, जो भाई टीम नंबर 9 के मेम्बर्स हैं, और भाई उनके सामने से एक टीम आती है जो कि टीम 19 के मेम्बर्स है विशाल भाई, और वहाँ पर देखना होगा जो बॉय हैं विशाल हैं उनके एक और पिकाचू हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, लेकिन भाई वहाँ से थोड़ा उन्होंने अपना रूप घुमा लिया, वरना भाई उनके टेरर किंग की स्क्वाड ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, और भाई अगर वहाँ पर जाते हैं तो बड़े यहाँ पर उनको पिच वगैरह किया जा सकता है जो
है और गाड़ी मेरे ख्याल से यहाँ पर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, बाइक उठाएंगे और सीधा अपने टीम नाम के पास यहाँ पर जाना चाहेंगे, क्योंकि दो टीम आपको सर्कल के अंदर जाना है। इसके यहाँ पर देखा हुआ रेड आदि भाई लूट करके भाई सीधा पहुंचे की साइड आए हैं, लेकिन भाई पहुंचे क्लियर कर चुकी है, जैसे अपना पहुंचने की था वो क्लियर कर चुकी पर अब उसी डेड ड्रॉप के ऊपर जाती था जवान को फाइट वगैरह ले वोटिंग चांस, इसलिए वोटिंग चांस बढ़ जाए यहाँ पर निकलते हुए तो ड्रॉप लूटना चाहेंगे वोटिंग चांस बढ़ लेकिन जहाँ तक नहीं लगता ड्रॉप के ऊपर जा रहे हैं। बाकी टीमों को बाहर निकल चुका है, अपने रेड आदि की टीम है वो पास के सॉरी स्पोर्ट हाउस के ऊपर भाई जाकर बैठ चुकी है, जहाँ तक मुझे लगती है जहाँ स्पोर्ट हाउस के ऊपर बैठी है वो टीम, क्योंकि भाई वहाँ पर पहुंचने के अंदर उन्हें लग रहा है कि भाई अभी भी शायद अपनी किल शॉट जो किया है वो वहाँ हो, तो इसलिए भाई वो टीम चांस वहाँ पर बैठे हैं। बाकी देख लूंगा आप किसी और टीम के आर्म्स को जो भी फिलहाल देख लीजिए, वहाँ जहाँ तक मुझे लगता है जो कि अपनी टीम नंबर 21 के आर्म्स और भाई उनके टीम नंबर जो कि 14 के आर्म्स है काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, मे भी फाइट हो सकती है, जो कि जे एक्स और यहाँ पर बाइक से आ रहे हैं लेकिन उनके सामने टीम आया टीम के आर्म्स है टीम को देखना होगा वोटिंग जे एक्स और को मेरे ख्याल से उतारे जा सकते हैं अपनी टीम आर्म्स के पास जाते हैं, तो मेरे ख्याल से कल आर्म्स की तरफ आए बढ़ते वोटिंग के आर्म्स, लेकिन जो कि जोकर थे वो भाई पीछे रुक चुके हैं, स्नैक्स एक साइड से आ चुके हैं यहाँ पर वोटिंग गन भाई यहाँ से निकलना चाहेंगे, जोकर यहाँ से निकलना चाहेंगे, दी फैलकन के पीछे से आ रहे हैं वो कवर देंगे अपनी टीम आम से, इसलिए भाई वोटिंग का मेरे ख्याल से यहाँ से निकलना चाहेंगे और सर्कल भी नहीं है तो इसलिए वोटिंग का बिल्कुल नहीं रुकना चाहेंगे, सीधे सर्कल के अंदर बढ़ना चाहेंगे वोटिंग के यहाँ पर, एक साइड से काफी कड़ा स्प्रे आता है जो कि अनंत है, स्नैक्स से काफी कड़ा उनको स्प्रे आता है लेकिन भाई वोटिंग का निकलते हुए बुलेट्स तो करने टच नहीं हुए लेकिन भाई सर्कल बाहर फाइट लेकर को फायदा नहीं, इसलिए वोटिंग का वहाँ से निकलते हुए अपने किलशर की टीम को देखना होगा, जहाँ तक मुझे लगता है अपार्ट के अंदर वो टीम वापस जाना चाहेगी और अपार्ट जहाँ वो टीम मेरे ख्याल से अपार्ट की साइड उन्होंने अपना रुख किया और अपार्ट की साइड जाना चाहेगी, अपने किलशर की टीम रेड की जो भी टीम थी वो वापस अपने अपार्ट के अंदर आ चुकी है, क्योंकि उनको पता है कि भाई अपार्ट के अंदर मे भी सर्कल रहने वाला है, तो इसलिए वो टीम जहाँ से अपार्ट की तरफ निकलते हुए बाकी किलशर को देखना होगा क्या भाई वो भी अपार्ट की तरफ जाती है रुख, तो भाई उनका अपार्ट की तरफ मेरे को लग रहा है कि वो अपार्ट की तरफ वो टीम जाएगी, उसके बाद यहाँ पर देखना हो जो कि अपनी रेड आदि की टीम है वो अपार्ट में वहाँ पर जाकर रुक चुकी है वापस, तो भाई देखना हो जो कि मेरे गाजन की टीम के आमस से अपने एंडी टीम जी टी आर जो कि थानोस हैं डेविल हैं वो एक साइड जो कि जॉर्जो जॉर्जो का स्क्वाड हाउस है वहाँ पर रुक रखे हैं, वापस से भाई देखना होगा टीमों की तरफ जो कि मेरे ख्याल से एल टू के शेल्बी की टीम है वो एक साइड से जॉर्जो के स्क्वाड हाउस की तरफ निकलती हुई, जहाँ मेरे ख्याल से वो उन्होंने भाई यहाँ पर एमरजेंसी यूज़ की है कि भाई काफ़ी ज़्यादा तेज जा रहे हैं जी एमरजेंसी वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और सीधा भाई जॉर्जो के स्क्वाड हाउस वहाँ पर लैंड करने वाले हैं क्या वैक्सी भाई और यहाँ पर फिनिश करेंगे जो टीम नंबर टू के नाम से, तो फिलहाल देखना होगा जो टीम नंबर टू है और अपने नीचे भाई उनके जस्ट एक और टीम है टीम नंबर 23 का बस कौन सी टीम विन करती है, तो फिलहाल देखना होगा एल टू के शेल भी है वहाँ पर एल टू के गोड है वहाँ पर देखना जाना चाहिए ठीक है टीम नंबर 23 का ये शेल चिपकाई गई गोड़ वहाँ पर नौ किए जा चुके हैं, दो टीम आउट बचे हैं जी जी बचे हैं शाक्ति बचे हैं क्या कुछ करवाएंगे वो टीम के नाम से, फिलहाल देखना वहाँ पर सामने मोली जी जी भाई वहाँ पर एक साइड से नॉक कर चुके हैं वैक्सी को नॉक फिनिश कर चुके हैं काफी कड़ा वहाँ पर नॉक फिनिश किया, स्मोक एक साइड से नीचे आए स्मोक का बनने का नेट करना चाहेंगे स्मोक को मेरे का नॉक डालो स्मोक भाई नॉक हो सकते हैं जहाँ स्मोक को देखना होगा अपने और वहाँ पर देखना थाइनोस हैं डेविल बचे हैं विशाल भाई टीम 19 के नाम से एक साइड से नॉक हो चुके हैं जो बाहर की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे, मैं 19 के नाम से वहाँ पर नॉक हो चुके हैं एक साइड से देखना होगा जो बॉय भी एक साइड से नॉक हो चुके हैं रोतुर आदमी को नॉक करना टीम जो कि 19 के ही मेंबर जो बॉय बच्चे एफ पी काचू बच्चे रोतू राज भाई टीम को फिनिश करते हैं सामने देखना होगा चाहते हैं टीम जी जी अपनी टीम से अकेले बच्चे हैं जो कि टीम नंबर 2 के नाम से 23 के नाम पर नॉक करते हैं जी जी भाई देखना होगा जी नाम जिसको भी आपसे क्या कुछ कर पाते हैं वहाँ पर सामने 3 के नाम से सामने एक और टीम नाम से आप नॉक करते हैं करे 1v4 अकेले भाई जी जी भाई का बहुत ही उमदा 1v4 भाई यहाँ पर दिखा दे जो कि टीम नंबर 2 के नाम से काफी उमदा भाई यहाँ पर 1v4 दिखा दे क्योंकि भाई बाकी टीम यहाँ पर देखना होगा और क्या भाई यहाँ पर जी हाँ मेरे ख्याल से इंजॉय वगैरह वहाँ पर थोड़ा बहुत करना चाहेंगे जहाँ तक मुझे लगता है वहाँ पर देखना होगा रोतू राज भाई टीम नंबर 9 के नाम से काफी कड़ा वहाँ पर खेलते हैं बहुत ही उमदा भाई यहाँ पर खेल रहे हैं सामने मेरे ख्याल से नोको वगैरह कर चुके हैं टीम जो कि रेड की टीम के नाम से नोक किया था फिर भी किया था रिया को सामने देखना उनकी टीम के नाम से वहाँ पर एफ जेड भाई उनको देखना एफ जेड आदि है सामने भाई मोदी की एफ जेड बचे हैं आदि नोक पड़े हैं एफ जेड अपनी टीम से सोलो बचे क्या कुछ कर पाएंगे अपने एफ जेड को वहाँ पर देखना सामने भाई रेड मोदी चलता हुआ एक साइड से नीचे कूदे हैं और भाई यहाँ पर सामने वो टीम जानते चलते हैं रोतू राज को फिनिश कर डालेंगे जहाँ पड़े यहाँ पर फिनिश डाल चुके हैं रोतू राज को इंस्टेंट ओपन इंस्टेंट फिनिश डाल चुके हैं और वापस देखना चाहेंगे वो टीम यहाँ से निकलना चाहेंगे वो टीम बहुत ही उमदा खेलते क्या भाई अपने भाई क्लच करेंगे लेकिन नहीं भाई वन बुलेट जस्ट भाई की भाई वन एच पी बचे थे टेरर किंग भाई यहाँ पर ले गए 1v4 यहाँ पर हो सकता था अपने जो कि एफ जेड का था
काफी उम्दा, ऋतुराज भाई को इंस्टेंट नॉक इंस्टेंट फिनिश किया, दो टीम में वहां पर नॉक किया, लेकिन काफी उम्दा भाई यहाँ पर चूक गया, थोड़ी और हीलिंग होती तो मैं भी ऊपर बचकर वहां पर हील कर सकते थे और अपने टेरेकिंग को भी लेकर जा सकते थे, लेकिन भाई काफी उम्दा भाई यहाँ पर नॉक वगैरह निकाला था, फिनिश भी भाई किया था। वापिस से देखना भाई टीमों की साइड चलना होगा, जो कि यादव ने टीम नंबर टू के आम जो भाई यहाँ पर काफी अच्छा उन्होंने भाई कलच में काफी अच्छा कलच दिखाया। वापिस से भाई देखना होगा किसी और टीम के आम जो अपने किल शॉट है वो बॉर्डर सिटी के स्क्वाड हाउस के ऊपर भाई रुक रखी है, तो फिलहाल देखना होगा। और वहाँ पर भाई टीम को देख लिया जाए, टीम नंबर 19 के बैटमैन भाई यहाँ पर बच रखे हैं, बैटमैन बच्चे हैं, पिकाचू बच्चे हैं, काफी ज्यादा क्लोज से टीम गुजरती के बाद स्प्रे देंगे टीम नंबर 24 के आर्म्स को, जो यहाँ पर स्नेक है, मिस्टर गूगल है वहाँ पर, उनको एक साइड से भाई स्प्रे देने की कोशिश की गई है मैक्स पर, तो फिलहाल देखना। और टीम नंबर 9 के आर्म्स के ऊपर आ चुके हैं वो अपनी टीम के, जो कि मैक्स है वहाँ पर, मिस्टर गूगल है, स्नेक एक साइड से आ चुके हैं, तो क्या टीम नंबर जो कि 9 के आर्म्स उनको फिनिश करेंगे अपने, जहाँ स्नेक ने मेरे का सपोर्ट किया किसी टीम नाम्स को, स्नेक मेरे का जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ स्नेक एक साइड से टैरकिंग को देखना होगा, टेरेकिंग का भाई यहाँ पर नॉक डालेंगे, मिस्टर गूगल और जो टीम के अंदर टेरेकिंग को नॉक डाल चुके हैं, यहाँ पर देखना टीम आपको नॉक डाला गया उनके, जो कि उनके टीम के हम आना चाहेंगे अंकुश, आना चाहेंगे अंकुश वाइटी भाई, और वहाँ पर देखना जो कि उनकी टीम के हम सेल टू के चल भी सामने नेट वगैरह चलता हुआ, क्या भाई उनको स्मोक वगैरह भाई उन्होंने किया, चल भी अपनी टीम आपको बचाने के लिए आना चाहेंगे, या टेरेकिंग भाई अपनी टीम वहाँ पर रिवाइव होने के लिए जाते हुए, और बड़े जिले में खास रिवाइव भी हो जाएंगे, मिस्टर गूगल भाई वहाँ पर देख ले जाए वो मेरे ख्याल से कंफ्यूज, और आयुष को वहाँ पर नॉक किया गया, शैल भी अपनी टीम से अकेले बचते हुए, क्या अक्षर पाएंगे मैक्स भाई यहाँ पर एक और नेट ट्राई करते, क्या हाँ वापिस से नेट ट्राई किया जाए, क्या सक्सेस होने वाला है नेट के यहाँ पर नॉक हो सकते हैं, जी हाँ वहाँ पर मैक्स वहाँ पर नेट ट्राई करते हैं वापिस से, क्या यहाँ पर जो उनके शैल भी है मिस्टर गूगल को नॉक किया गया, जो कि मैक्स यहाँ पर एक साइड नेट ट्राई करते हुए, क्या भाई यहाँ पर शैल भी और बड़े इजली भाई यहाँ पर उनके नेट से पकते हुए, और जो उनके गूगल थे उनको मेरे ख्याल बड़े इजली यहाँ पर बचा लिया जाएगा, और बड़े यहाँ पर जो कि मैक्स यहाँ पर फिनिश वगैरह करते हुए सामने मिस्टर गूगल ने भाई अपने को निकाले थे, सामने देखना जो उनके एक्वापी का एक्वा पिकाचू है और बैटमैन एक साइड स्प्रे देने की कोशिश करते हैं, पीएस वाई मुझे जो कि टीम 11 के 16 टीम के आंस बचे थे, टीम नंबर 6 के आंस जो कि टीएसएफ टीम थे यहाँ पर उनको फिनिश कर चुकी है, बाकी टीमों को भाई यहाँ पर देखना हो, बाकी कोई टीम अगर ज्यादा क्लोज हो, जी हाँ बाकी कोई टीम इतने ज्यादा क्लोज नहीं है, सामने देखना जो कि बैटमैन है एक्वा पिकाचू है, दो टीम नाम से सामने तीन टीम हम जो वहाँ पर स्प्रे दे रहे थे, सामने भाई एक और टीम आ चुकी है, जो टीम 14 के आंस से काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं, जो भाई कल आर के हैं बटर दी फैलकन है बटर जावेद है, वोटिंग ग्राउंड भाई काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं, तो मैं भी देखना होगा यहाँ पर, लेकिन थोड़ा दूर दूर है वहाँ पर नोक नोक का माहौल अभी चलता रहेगा, देखना होगा भाई कौन, तो भाई सर्कल पूरी तरीके से भाई ट्रांसफर हो चुका है, जो भी रोजोक के अंदर मेगा सर्कल बनाए, चार टीमें ओनली भाई सर्कल के अंदर है, जो भाई टीम 24 के आम सर्कल के अंदर है, टीम 19 के आम सर्कल के अंदर है, अपनी किलशॉट सर्कल के अंदर है, और जो अपने भाई ऐसा कि अब्दुल जो कि अपनी टीम 16 है वो सर्कल के अंदर है, बाकी सभी टीमें जो मेरे ख्याल से 1 2 3 चार पाँच छः सात आठ और नौ टीमें भाई सर्कल से बाहर होती है, टीएसएफ की टीम लेकिन बाहर सर्कल के अंदर आ जाएंगे, मेगा सर्कल और सामने मेगा फाइट हो सकती है, टीम 21 के आम की टीम नंबर 10 के आम के साथ मेगा फाइट हो सकती है, आमने सामने की मेगा जहाँ पर फाइट होना जहाँ जो कि स्नैक्स एक साइड से रुक चुके हैं, टीम जो स्नैक्स स्प्रे देना चाहेंगे, जोकर एक साइड से रुक चुके हैं क्योंकि उनकी गाड़ी वगैरह वहाँ पर खड़ी है, तो इसलिए वो टीम के आम से रुक चुके हैं, उनको पता है वो सर्कल के अंदर निकलेंगे, और जो उनकी गाड़ी से आकर जाना पड़ेगा, एक टीम नाम से वहाँ पर नॉक कर चुके हैं, ओपी जैक वहाँ पर नॉक किया गया है, क्या वो टीम के आम से वहाँ पर रश करेंगे, जहाँ एक साइड मेरे रश वगैरह कर सकते हैं, अगर वो टीम के आम फटाफट जाएँ जहाँ वहाँ पर फटाफट निकलते सीधा भाई रश करते हुए आनंद भाई वहाँ पर एक साइड जाते हुए जैक वहाँ पर नॉक किया गया था, टीम नंबर 10 के नाम बस गॉड फादर पी एस वाई जीत भाई वहाँ पर क्या कुछ पाएंगे, फिलहाल देखना है M16 उनके हाथों में क्या कुछ पाएंगे, गोड फादर को नोक डाला जाएगा, सामने देखो पी एस वाई जीत भाई के ऊपर नेट वगैरह वहाँ पर ट्राई होते हुए, और वहाँ पर घोष्ट वन भाई किल शॉट एम भाई अपना खुद के सर टीम 15 के आम से हिटमैन 45 और हाइड्रा जो भाई बड़े जिन्हें उनको पूरी टीम को मेरे ख्याल यहाँ पर वाइप करते वोटिंग के आम सामने देखो अपने पी एस वाई टीम जो 10 के आम से उनको देखना होगा, एंडी जो कि जोकर है वहाँ पर काफी ज्यादा क्लोज है, एंडी जोकर भाई का नॉक डालेंगे, तो फिलहाल देखना पी एस वाई जीत भाई वहाँ पर देखना उनकी टीम के आम से एक साइड जाना चाहेंगे, आना एक साइड जाना चाहेंगे, स्नैक्स एक साइड जाना चाहेंगे, और देखना उन्हें अपने पी एस वाई जीत भाई जो कि छत पर वहाँ पर जा चुके हैं, ऊपर वाले फ्लोर पर वहाँ पर जा चुके हैं, अपने जोकर भाई और वहाँ पर एक रश करना चाहेंगे, जैक भाई जो कि मेरे यहाँ पर नॉक हुए उनको बड़े यहाँ पर मिल चुका है, गोड फादर नीचे टीपी पी लेते हैं मेरे खाते एक टीम हम उसको तो वहाँ पर लेकर जा सकते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है जी हाँ मेरे जो कि स्नैक्स एक साइड जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्नैक्स भाई को लेकर जा सकते हैं जो कि अपने भाई उनके टीम गोड फादर हैं, और जो कि अपने जोकर उनको देखा जी जी भाई टीम नंबर 3 के नाम से जो कि जी जी अपनी टीम नंबर 2 के नाम 16 बच्चे से बड़े जहाँ पर उनको फिनिश कर देगा, सामने देखना ओपी मशीन है ओपी गोड फादर टीम नंबर 10 के नाम के बीच वापिस से भाई चलना होगा, अपने जो जोकर है उनको सबसे पहले फिनिश करना चाहेंगे, ओपी मशीन के ऊपर मेगा ओपी मशीन एक साइड से रश करते हुए पी एस वाई जीत भाई एक साइड मेरे कहा यहाँ पर दो टीम 16 टीम के ऊपर आनंद भाई को स्प्रे वगैरह देने की कोशिश, तो फिलहाल देखना होगा जोकर भाई क्या कुछ करवाते हैं, जो कि टीम 21 के आम से उनको देखना होगा यहाँ पर क्या कुछ कर पाएंगे, ओपी मशीन है वहाँ पर उनके सामने ऊपर भाई पी एस वाई जीत भाई हैं, तो फिलहाल देखना वोटिंग ग्राउंड मेरे का जाना चाहेंगे जैक भाई और वहाँ पर देखना होगा, जहाँ पी एस वाई जीत भाई भी नीचे कुछ चुके हैं एक साइड से देखना होगा वहाँ पर, और जैक भाई भी एक साइड से आ चुके हैं, एंड स्नैक्स भाई वहाँ पर देखो टीम 6 के आम से काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं मेरे ख्याल से, वो थोड़ा बैक साइड से निकलते हुए सामने देखना उनकी टीम ग्राम से एक साइड से क्या कुछ करवाएंगे, स्नैक्स एक साइड से आएंगे जहाँ सामने मोली की गई और वहाँ पर मेरे ख्याल सीधा रश करते एक साइड से
जो करता है उसी तरह से पेटीएम हम सुनो का लगा था वो भी मशीन का मंगा लगा दिया तो आनंद भाई को नोक डाल गए टीम 21 के हमसे नोक डाला गया है। स्नैक्स भाई मेरे कहा नोक डाल सकते हैं अपने जीत भाई को सामने जैक भाई और मेरे कहा यहाँ पर देखो उनको करके जाएंगे सामने आनंद भाई को नोक फिनिश कर चुके हैं और जो कि अपने स्नैक्स हैं वहाँ पर एक साइड से डीबीएस लेकर बैठ चुके हैं जोकर एक साइड जाने की कोशिश करेंगे और फिलहाल देखो मेरे अच्छी तरह से जैक को कहना डालेंगे यहाँ सामने काफी गलत स्प्रे लेकिन जैक को गोड फादर वहाँ पर नोक डाला गया सामने देखो उनके एंड स्नैक्स एक साइड जाना चाहेंगे स्नैक्स भाई अपनी टीम से यहाँ पर क्या कुछ कर पाएंगे डीबीएस में जाकर जीत भाई को बचे जैक भाई बचे जैक भाई को नोक डालेंगे जब जैक भाई को वहाँ पर फिनिश कर पाएंगे फिलहाल देखना जैक अपनी टीम सोलो बचे जैक एक साइड तरफ करते हैं डीबीएस उनके हाथ में डीबीएस चिपकाने की कोशिश करते हैं जैक भाई को देखना होगा और सामने अपने लेकिन भाई जैक भाई जो बड़े दिन पर फिनिश कर चुके हैं लेकिन जैक भाई को सर्कल करने निकलना पड़ेगा अपनी तीनों टीम में हम कहा बचा लेंगे सामने देखो बैटमैन और देख ले जो कि बैटमैन है को अपिका चुके हैं दो टीम बच रखे हैं तीन टीम 19 टीम ऑफ 14 के हमें पर वहाँ प्रेस करते हुए जेक सोरी है दी फैलकन है और एक टीम हम लोग बस रहा है जहाँ पर हमें जहाँ तक मिल सकते हैं दो टीम स्कल आर की पूरी टीम अलाइव है टीम ऑन सिक्स के हम की एक साइड से फाइट होती हुई जो कि स्कल आर के और बैटर जाए दो टीम एक साइड है और जो मेरे जैक और पिकाचू और दी फैलकन और जेक सोरी एक साइड है दो दो की टीम है भाई यहाँ पर बैटर गए सामने जो कि बैटर जावेद हैं स्कल आर के हैं वो भाई टीम ऑन सिक्स का हम सर्कल के अंदर निकलने की कोशिश करते हैं और जो मेरे अपने बैटर जावेद हैं स्कल आर के हैं उनको भाई सर्कल के अंदर निकलना पड़ेगा और जो कि अपने भाई जो कि पिकाचू हो रहे हैं और जो कि जैक सोरी हैं वो पहले सर्कल के अंदर स्कल आर के और वहाँ पर सर्कल के अंदर आने जाएंगे स्नैक्स और वहाँ पर एक कोशिश करते टीम ऑफ सिक्स कैंप को लेकिन वहाँ और बचकर निकलता है जो कि टीम ऑफ सिक्स कैंप यहाँ पर बचकर निकल चुके हैं देखना काफी कड़ा कौन सी टीम भाई बिना बिना चिकन डीला लेकर जाने वाली किल शॉट भाई अभी तक अलाइव है टीम ऑफ थ्री अभी तक अलाइव है जो कि अभेंस लीजेंड की टीम है रेड विजार्ड भाई की अभी तक टीम अलाइव है आई थिंक उन्होंने फाइट ही नहीं ली है अपने डुग्गू परेशान की टीम भी मेरे को कहीं नहीं दिखी है आई थिंक वो टीम आई तो थी और मैं यहाँ पर देखा जहाँ टीम हम तेरह के मैम बहुत ज़्यादा से यहाँ पर थोड़ा खेलते हुए उनकी भाई अभी तक फाइट नहीं दिखी है बाकी जो बाकी काफ़ी टीमों की मेरे कहा जहाँ पर देखना होगा यहाँ पर फाइट वगैरह मैंने देखने के लिए मिल सकती है तो फिलहाल देखना यहाँ पर सभी टीम मेरे कहा जो कि अपने फिल छोटा वो सर्कल के अंदर जाती हुई सर्कल के अंदर अपनी जगह बनाना चाहिए और जहाँ तक मतलब सभी टीमों को भाई सर्कल के अंदर निकलना पड़ेगा अपनी ओपी की टीम एक साइड सर्कल के अंदर आती हुई टीम हम ठीक है हम एक साइड सर्कल के अंदर आएंगे रेड विजार्ड की टीम को सर्कल के अंदर आना पड़ेगा सामने देख रहा हूँ मेरे खाते अभी तक एक मिनट है सारी टीमों के पास सर्कल के अंदर जाने के लिए सर्कल काफ़ी ज़्यादा छोटा हो चुका है अपनी किलचोर जो किलचोर की टीम है वो एक साइड से वहाँ पर घूमती है स्कूल काफ़ी ज़्यादा क्लोज और अपार्ट के अंदर जाकर मैं कहता हूँ यहाँ पर पूरी तरीके से भाई फ्लैंक करके वहाँ से थोड़ा निकलती है जहाँ तक मुझे लगता है जहाँ एक साइड से निकलती है वो टीम भाई सर्कल के अंदर अपनी जगह बनाने की वहाँ पर कोशिश करेगी जहाँ तक मुझे लगता है जहाँ एक साइड से भाई सीधे ही निकलते हुए अपनी किलचोर की टीम का वहाँ पर देखना होगा मुझे लगता है भाई वो किसी फाइट के बीच में वहाँ पर घुसना चाहेगी तो भाई थोड़ा भाई अपनी क्योंकि भाई पोजीशन वहाँ पर होल्ड कर जाएगी क्योंकि भाई उनको पता है कि भाई सभी टीम गेम्स अगर भाई उनके ऊपर सर्कल बनता है तो उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा सभी टीमों को उनकी तरफ आना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा ओपन भी हो जाता है एक साइड से अगर उनकी तरफ टीमें आएंगी तो फिलहाल देखना होगा जो बाकी सभी टीमों को निकलना पड़ेगा टीम सिक्स के हम सर्कल के अंदर निकलना पड़ेगा टीम नंबर 10 के हम उसको सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा अपनी रेड बाजार टीम नंबर 16 के हम सर्कल के अंदर आना चाहेंगे टीम नंबर 13 के हम सर्कल के अंदर आएंगे एसआर की अब दो टीम 22 की जो सोलो टीम गेम्स उनको सर्कल के अंदर आना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा भाई यहाँ पर फाइट होने वाली है सर्कल के अंदर घुसते ही टीमों की क्योंकि भाई सभी टीमें सर्कल के अंदर अपनी अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगी और वहाँ पर इस बीच भाई टीमों को काफ़ी ज़्यादा फाइट होने वाली है अपने बैटमैन और वहाँ पर देख लिया जो कि अपने बैटमैन है कॉपी काचू टीम 19 के जो कि दो ही टीम है यहाँ पर बच रखे हैं क्या कुछ कर पाएंगे वो टीम के हम तो फिलहाल देखना मेरे ख्याल सर्कल से बाहर है जो कि अपने बैटमैन है कॉपी काचू सामने स्मोक कर चुके हैं सीधा मेरे ख्याल यहाँ पर आगे जाना चाहेंगे क्योंकि भाई पीछे सर्कल आ रहा है इसलिए वो टीम के हम भाई आगे जाना चाहेंगे और सभी टीमों को भाई सर्कल के अंदर आना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली टीम अगली टीम सिक्स के हम भाई सर्कल के अंदर फ्लैंक करके निकलते हुए तो फिलहाल देखना वो टीम जानते थर्ड फ्लैंक करके निकलने की कोशिश कर रहे थे तो फिलहाल देखना सामने देखना अपने रेड अकेला भाई एफ एन सी लीजेंड जो कि टीम थ्री के टीम सुनो कर चुके हैं तो फिलहाल देखना बैटमैन एक चार्ज टीम उन्नीस के वहाँ पर एक चार्ज रश करते हुए एक और पिकाचू वहाँ पर एक चार्ज रश करते हुए जैक सॉरी दी फैलकन क्या कर पाएंगे वो टीम के फिलहाल देख रहा हूँ इनके दो टीम देखना बटर जावेद हैं स्कल आर के हैं वो एक साइड से कवर दे सकते हैं यहाँ तक मुझे लगता है वो रिच के ऊपर वहाँ पर बैठे हैं तो बड़े जिन पर कवर दे सकते हैं दी फैलकन को वहाँ पर देखना होगा जैक सॉरी को देखना होगा क्या है को पिकाचू को मेरे ख्याल जो स्कल आर के भाई वहाँ पर बड़े नोक वगैरह निकाल सकते हैं जो कि मेरे ख्याल यहाँ पर काफी ज्यादा वहाँ पर कवर दे सकते हैं या नेडम नेडी वहाँ पर चलती है बैटमैन उसका नोक डाला जाएगा बैटमैन को नोक डाल सकते हैं दी फैलकन लेकिन अपने एक और पिकाचू का नोक डाला एक और पिकाचू को काफी कड़ा स्प्रे तो फिलहाल देखना वहाँ पर बैटमैन को फिनिश कर चुके हैं वहाँ पर देखना होगा मीटिंग का बैक ऑफ पिकाचू मेरे ख्याल से नोक डाला जाएगा मैंने जेमर और बच्चे हैं एक और पिकाचू वहाँ पर दी फैलकन को वहाँ पर नोक डाला और एक और पिकाचू वहाँ पर बड़े जहाँ फिनिश कर चुके हैं टीम नंबर 10 के हम देख रहे जहाँ पर देखना और टीम नंबर 24 के हम स्टार्ट होती टीम नंबर जो ओपी मशीन को नोक डाला गया टीम नंबर 10 के टीम नंबर जैक भाई को नोक डाला गया दो टीम नंबर नोक करते हैं मैच तीन टीम नाम वहाँ पर एक चार्ज से बड़े जहाँ पर फिनिश हो चुके हैं और अपनी टीम से 16 बच्चे उनकी टीम के हम जहाँ तक मुझे लगते हैं एक चार्ज से उनके स्नेक वहाँ पर नोक हुए थे जहाँ तक मुझे लगता है मैक्स नोक हुए हैं मिस्टर गूगल ने स्नेक अपनी टीम से अगले बच्चे पी एस वाई जीत भाई यहाँ पर बच्चे देखूंगा जीत के ऊपर रश करने जाएंगे स्नेक के खिलाफ देखूंगा या स्नेक से डीबीएस चिपकाने कुछ करते हैं वहाँ पर देखूंगा डीबीएस डीबीएस बड़े जहाँ पर चिपका था दोनों टीम उसको बचा लेंगे सामने स्मोक वगैरह करना चाहेंगे सामने देखूंगा उनकी टीम का यहाँ पर स्कलर की टीम यहाँ पर बचेगा स्प्रे देना चाहेगी
किलशॉट के टीम के हम 1000 मेगा स्प्रे वगैरह देने चाहेंगे। एफ एनजे टीम हम 3 के रेड विजार्ड, जो टीम हम 16 ग्राम का प्रोफाइल चल रही थी, टीम हम 3 ग्राम का प्रोफाइल चल रही थी, उनके टीम के हम यहाँ पर विजार्ड और अकेला फिनिश हो चुके हैं। एफ एनसी लीजेंड ए भी भाई यहाँ पर फिनिश वगैरह कर दिया है, डेड भाई यहाँ पर नॉक पड़े हमको फिनिश कर दिया जाएगा। ए जी अपने टीम से अकेले बचे हैं और मेगा अपने टीम हम वहाँ पर जो ए जी बचे हैं, आर डी एक्स बचे हैं, दो टीम हम बचेगा भाई साहब ने स्प्रे देने के भाई चार्ज कोशिश करते हुए रेड अकेला और रेड मोइन को दोनों टीम हम वहाँ पर स्प्रे देने की कोशिश करते हैं। 2v2 का मामला बचा है यहाँ पर देखने और टीम 6 के हम उसको यहाँ पर देख लिया जाए, जो कि मेरे ख्याल से चारों टीम हम सब तक अलाई है। सामने रेड की टीम को वहाँ पर सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, बग्गी वगैरह के वहाँ पर टायर्स वगैरह फोड़ते हैं उनके, ताकि भाई वो टीम भाई वहाँ पर ना निकल पाए। देखना भाई क्या कर पाएंगे वो टीम का, भाई हम सर्कल के अंदर नहीं आने देंगे सामने वाली टीम के, हम पहले सर्कल के अंदर बैठे। और मेरे ख्याल जो अपनी रॉयल की टीम यहाँ पर देख लो, रॉयल उसी पर है, डुगू परेशान है टीम, और जो 6 के हम उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, TSF फिनिक्स है, TSF विश्वा है, क्या कुछ करवाएंगे वो टीम। सामने नेड नेडी चलती हुई मिस्टर रोकी को ऊपर भाई यहाँ पर नेड किया गया था, लेकिन बचते वोटिंग के बाद फिनिक्स वापस भाई यहाँ पर नेड पिन अप कर चुके हैं, वापस यहाँ पर नेड करना चाहेंगे क्या यहाँ पर रॉयल उसी पर चुके, उनके डुगू परेशान है, फिनिश होना चाहेंगे। तो फिलहाल देखना वापस सामने मोली वगैरह चलती हुई, जो कि हमने विश्वा मेरे ख्याल यहाँ पर मोली डालना चाहेंगे, एक चार्ज स्कल हार के भाई नॉक हो चुके हैं, मतलब ऊपर से गिर कर भाई नॉक हो चुके हैं। तो फिलहाल देख रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर बड़े दिन मेरे ख्याल से रिवाइव वगैरह हो जाएंगे, क्योंकि उनकी टीम के आंस वहाँ पर हैं। तो फिलहाल इसलिए वहाँ पर देखूँगा जो उनकी टीम के आंस को देख रहे, जो कि रॉयल लूसीफर है, डुगू परेशान है, मिस्टर रोके हैं, टीम और 6 ग्राम का प्रोफाइट चलती है, टीम और जो 15 ग्राम तो एक चार्ज, टीम हम 3 ग्राम के चार्ज में स्प्रे वगैरह देने की कोशिश करते हैं, जो कि हमें टीम और 24 ग्राम का सर को अंदर आना पड़ेगा। मिस्टर रोके इस साइड से TSF फिनिक्स भाई के नेट जहाँ पर नॉक होते हुए शाम देखूँगा, मिस्टर रोक रॉयल लूसीफर और फिनिक्स यहाँ पर और बड़े यहाँ पर काफी कड़ा नेड और बड़े जो डार्क फिनिश करते हैं, दोनों टीम एक ही नेड के अंदर बाहर फिनिश करते हैं वो टीम का। जहाँ तक मुझे लगता है अरे और यहाँ पर देखो स्कल हॉल के यहाँ पर देखो जो टीम 14 ग्राम से यहाँ पर क्या करवाएंगे, मैक्स ओके गया, मिस्टर गूगल अपनी टीम को यहाँ पर वेट रखे हैं, मिस्टर स्नैप यहाँ पर फिनिश कर देगा, मिस्टर गूगल और रेड अकेला भाई जो अपनी टीम 16 बजे उनको फिनिश कर देगा। सामने भाई मेरे स्मोक करेंगे नेड करने के बचाने के लिए, जो कि मिस्टर गूगल है सामने मैक्स उनके सामने यहाँ पर लेट रखे हैं। फिलहाल देखो वहाँ पर स्मोक हो चुका है, जो कि मेरे यहाँ पर काफी कड़ा मिस्टर गूगल सिंगल टैप मिस्टर गूगल का जाना पड़ेगा, एक सर्जन का एक स्कलर के हैं वहाँ पर, एक सर्ज नॉक पड़े हैं उनको, बड़े जगह अपने चाहेंगे। टीम और 3 के हम दो ही टीम बचे हैं, किलशॉट के काफ़ी ज़्यादा क्लोज बचे हैं, TSF की भाई पूरी टीम और टीम अंदर बची है, कौन सी टीम बचकर निकलने वाली है, कौन सी टीम चिकन करने वाली है, सामने देखो हमने किलशॉट की टीम के हम टोटल 11 की 6 को आयन काफ़ी कड़ा एक सर्ज स्प्रे देते हो। तो फिलहाल देखो आयन भाई यहाँ पर क्या छुपाएंगे, देखना अपने जो कि किलशॉट आयन है काफी कड़ा वहाँ, उन्होंने अपने डार्क शोल को वहाँ पर स्प्रे दिया था, उन्होंने भाई सपोर्ट कर लिया कि सामने टीम 6 ग्राम जहाँ पर रुक रखे हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने गाड़ी वगैरह लगा रखी है, जिससे बड़े जिले भाई यहाँ पर देखूंगा सपोर्ट वहाँ पर करते हैं और भाई यहाँ पर स्प्रे वगैरह देने की कोशिश करते हैं। वापस सामने देखा टीम 3 ग्राम से काफी ज्यादा क्लोज है, फिलहाल देखें वहाँ पर क्या कुछ पाएंगे वो टीम के हम, बस जिसमें क्या अपने किल शॉट आया ना टीम वहाँ पर एक चार्ज में फ्लैंक वगैरह करने की कोशिश करते हैं, टीम 6 ग्राम तो अपने यहाँ पर फ्लैंक वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं वो टीम के हम जहाँ तक मुझे लगता है। और बाकी देखना पीछे भाई एक और टीम आज की आया है भाई, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लोज एक टीम है आज के स्कल आर वहाँ पर आज आर के आज का बट कुछ ज़्यादा महंगे था वहाँ पर टीम बटर चार्ज को नोके गया हमारी तरफ से, बड़े यहाँ पर देखो DS थोड़ी को नोके गया था भाई यहाँ पर DBS और बड़े यहाँ पर मैगेट भाई नौकरे हैं, मैगेट भाई को पीछे से भाई फिनिश किया गया, काफी इंशियन ओवर फिनिश कर चुके हैं स्कल आर के, जो अपनी टीम आप वहाँ पर जैक सोरिया उनको रिवाइव दे देंगे। तो देखना टीम आपकी की तरफ से उनको फिनिश वगैरह कर दिया गया था, सामने सैम बचे हैं उनकी टीम के आम से आयान बचे, सैम एक चढ़ जाते सैम को स्प्रे दिया जाएगा, जी हाँ सैम DBS चिपका होगा डिफेंकन भाई सैम को डालेंगे। तो फिलहाल देखो वहाँ पर सैम की सर लेकिन सैम को आयान भाई आप बड़े करते सॉरी आयन को उनको नहीं उनको जो कि उनके दिफेल कंधे उनको फिनिश वगैरह करते हैं, आयन अपनी टीम से कहा 16 बचेंगे। तो फिलहाल देखना होगा यहाँ पर क्या कुछ करवाएंगे अपने, जो कि आयन अपनी टीम 16 बचेंगे सैम भाई का फिनिश हो जाएगा, उनके सामने काफी कड़ा स्प्रे किया सब फिनिश का स्मोक डाल फिनिश करेंगे जाड़े इंस्टेंट को इंस्टेंट फिनिश करते हुए सब फिनिश को आयन भाई अपनी टीम से 16 बचे हैं भाई, वहाँ पर देखना काफी ज्यादा लो और आयन भाई अपनी टीम हम प्रयास देने के लिए जाते हैं कि भाई यहाँ पर याद दे पाएंगे जान, मुझे लगता है बड़े जिले आप याद दे देंगे, आप देखना होगा वहाँ पर काफी उमदा भाई लिटरली कोई HP नहीं बचे अपने सैम पास, लिटरली भाई काफी मतलब बिल्कुल ही लिटरली HP भाई उनकी खत्म है, लेकिन भाई परिवार पकड़ा अपनी टीम हमको, दो टीम हम यहाँ पर बचे हमें किस टाइम है यार क्या उनके पास सर्कल है, टीम नंबर 3 के हम को सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा, टीम नंबर 3 के हम साथ में काफी करते हैं जो उनके ऐसे टीम की हम को नोक के गए स्नैक्स पर वहाँ पर एक सर्कल नोक कर चुके हैं, डार्क सोल बचे हैं विश्व बचे हैं, दो टीम हम बचे हैं
और भाई यहाँ पर एक साइड से भाई उनकी टीम के नाम गाड़ी वगैरह ब्लास्ट कर चुके हैं। विश्वा की भी टीम नंबर थ्री के नाम उसको सर्कल के अंदर आना पड़ेगा। आया भाई एक साइड से मेरे ख्याल सर्कल के फ्लैंक वगैरह करते हुए अपने आया भाई एक साइड से फ्लैंक करेंगे जहाँ तक मुझे लगता है। और जो कि अपने आयान है और जो कि सैम है दोनों टीम के जहाँ से भाई फ्लैंक करने वो इजी भाई सर्कल पहुंच जाएंगे तो उनके लिए भाई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। बड़े यहाँ पर सर्कल वगैरह पहुंच जाएंगे वो टीम के जहाँ, क्योंकि मुझे लगता है भाई जो कि अपनी टीएसएफ की टीम है वहाँ पर उन्होंने सपोर्ट किया है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर टीम के बड़े यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, चिकन लेकर जा सकते हैं वो टीम के। फिलहाल देखना अब तक भाई सभी टीमों के किल्स देख लिया आया भाई यहाँ पर 8 किल टोटल 15 किल जो कि अपने क्रिकेट की टीम के आर्म्स के 2 किल भाई यहाँ पर अपने स्टैम्प के हैं। टीएसएफ की टीम के आर्म्स के देख लिया टोटल 7 किल 4 किल अपने डार्क शॉल के हैं, बाकी सभी टीम के आर्म्स का 1-1 किल है। अपने एफएनसी की टीम के आर्म्स वहाँ पर देख लिया एफएनसी की आरडीएक्स की टीम है टोटल भाई 3 किल है सभी टीम आर्म्स का 1-1 किल है। लेकिन डार्क शॉल भाई वहाँ पर मेरे ख्याल से उन्होंने भाई स्प्रे वगैरह दिया था एक साइड से क्रिकेट की टीम के आर्म्स ने। अयान भाई सपोर्ट कर सकते हैं अपने स्नैक्स को, मेरे ख्याल से बड़े स्नैक्स को फिनिश करेंगे। सामने देखना वोटिंग के अंदर चल रहे हैं कोशिश करते एफ एन सी डी भाई को सैम भाई यहाँ पर नॉक कर चुके हैं। फिलहाल देखना वोटिंग के अंदर चल रहा है होगा स्मोक कर चुके हैं वोटिंग के अंदर चल रही है आप लीड वगैरह करते हैं। अयान भाई चल रहे हैं कोशिश करते हैं। फिलहाल देखना वहाँ पर सैम भाई दो टीम वहाँ पर अब तक लाई में एफ एन सी की टीम फिनिश हो चुके हैं, दो ही टीमें बची हैं टी एस एफ वर्सेज क्रिल शॉट कौन सी टीम जीतने वाली है। तो यहाँ पर सैम भाई अपने चल रहे हैं ट्राई करते हैं और वो टीम के हम काफी कड़क प्ले जैसे मेरे ख्याल से बड़े मिले जो स्नैक्स को नॉक कर सकते हैं। लेकिन भाई स्नैक्स यहाँ पर एक साइड बचते हैं सामने काफी कड़ा नेड किया गया था काफी उम्दा भाई यहाँ पर स्प्रे दिया था मेरे ख्याल सीधा हील करना चाहेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर हील नहीं की तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जल्दी नेड आने वाला है यार भाई मेरे ख्याल से नॉक कर सकते हैं नेड से। लेकिन नेड भाई थोड़ा पीछे पड़ गया तो सामने काफी कड़ा स्प्रे रैंडम स्प्रे देते हुए अपने जो क्या भाई थे और बड़े फिनिश भी करना चाहेंगे भाई सामने स्मोक समाप्त हो चुका है तो इसलिए मेरे ख्याल यहाँ पर फिनिश करना चाहेंगे अपने डार्क शॉल भाई अपनी टीम आपको बचाने के लिए आते हैं। सामने स्मोक का वॉल बन चुका है अयान भाई चढ़ते रश करते हैं तो सामने मोरी के गए अयान भाई अपने विश्व भाई सामने दो टीम बचे हैं मेरे ख्याल तीनों टीम सब तक बचे हैं मेरे ख्याल टीम देने जाएंगे। लेकिन सैम भाई को वहाँ पर मिल जाएगा बड़े इजीली विश्व भाई दो टीम बचे हैं 2v2 का मामला है कौन सी टीम जीतने वाली है। फिलहाल देखो यहाँ पर विश्व भाई सैम भाई वहाँ पर देखना होगा आयान भाई एक साथ डार्क शॉल है विश्व है सैम भाई और को मेरे ख्याल सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा और अपनी टीएसएफ की टीम के आर्म्स को सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। विश्व भार को देखना आयान भाई चार सर्कल के अंदर आने चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है विश्व भार एक चार स्मोक कर चुके हैं जी आयान भाई सैम भाई दोनों टीम आर्म्स को भाई सर्कल के अंदर निकलना पड़ेगा इसलिए तो मेरे ख्याल यहाँ पर उठकर जाना चाहेंगे जहाँ तक मुझे लगता है सैम भाई चार सर्कल के अंदर आते हैं सामने स्मोक हो चुका है आयान भाई मेरे सर्कल सैम भाई पीछे जाएंगे आयान भाई सर्कल को सैम भाई टीएसएफ की टीम यहाँ पर विनर विनर चिकन डिनर करती हुई कॉन्ग्रेचुलेशन स्किल्स के ऊपर भाई नजर डाल लीजिए उनकी टीम के आर्म्स टोटल 9 किल है भाई कॉन्ग्रेचुलेशन और बेल्ट भाई सभी टीम अगले सर्कल पीछे भाई।